सभी को मेरा बहुत बहुत सलाम प्रणाम और बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद। सभी को अ वार्म वेलकम टुनाइट सेशन। सो दोस्तों, सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और सभी अपने आप को और एक दूसरे को अलोहा शब्द से ग्रीटिंग्स करेंगे। सभी को एक दूसरे को वेलकम करेंगे। तो सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे दोस्तों, और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अलोहा शब्द से एक दूसरे को सभी हम लोग हाथ जोड़कर अलोहा कहते हैं। अलोहा एवरीवन, एवरी डिवाइन सोल जो आप सबके अंदर, हम सबके अंदर बसते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का सेशन जो होने चला है, सच में बहुत ही मच अवेटिंग सेशन रहा, क्योंकि लास्ट वीक हम लोगों ने सेशन का प्लानिंग किया था, लेकिन आप लोगों की फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने सेशन को पोस्टपोन किया था और वो सेशन आज होने चला है। लेकिन क्या आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन ही होगा, या फिर उसके सिवा भी और कुछ है? सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने लोग आज के सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैंने बैक टू बैक बहुत सारे चीजें कुलेट करके रखा है। और जितने लोग आज इस सेशन में सिर्फ ये सोचकर आए हैं कि सर्टिफिकेट सिर्फ शो होगी या फिर रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइजेशन होगा, हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे कौन सर्टिफाई हुए और भी वगैरह वगैरह, इसके सिवा भी दोस्तों आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे चीजें मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है और आज के सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ देने वाले हैं। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमेशा हर सेशन का जैसे शुरुआत करते हैं, आज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे द डिवाइन प्रेयर ओपनिंग प्रेयर के साथ, प्रेयर आई। उसके बाद हम लोग सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। और सेशन में आज क्या क्या है आप लोगों को बताते चले। सेशन में आज हम लोग आप लोगों को सभी को एक सक्सेस मेडिटेशन करवाएंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को आप लोगों के रिलेशनशिप से जुड़ा, किसी का अगर मनी स्टक है उससे जुड़ा, किसी का अगर हेल्थ इश्यू है उससे जुड़ा, किसी का अगर पैसे से जुड़ा चैलेंज है उससे जुड़ा, और किसी का अगर फैमिली इश्यू चल रहा है उससे जुड़ा कुछ पावरफुल आप लोगों को पेड रेमेडीज, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कुछ पावरफुल पेड रेमेडीज आप लोगों को दिए जाएंगे आज के इस सेशन में, जो सेशन के आखिर तक रुकेंगे। तो हर आप लोग नोट कर लें, मैंने जो जो कहा वो सारा रेमेडीज अगर मैं देने से भूल भी जाऊं तो आप हमें मैसेज करके याद दिला दें, और सारा रेमेडीज आज आप लोग लेकर जाएंगे आज के इस सेशन से। उसके साथ साथ और भी सेशन में रह रहा है कि आप लोग आज सेशन में क्या क्या सीखेंगे, क्या आगे आने वाला है, ग्रेटिट्यूड हिंदी आपके लिए क्या क्या सोच रहा है, आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाला है, बहुत सारी चीजें आज हम लोग डिस्क्लोज करेंगे आप सबके साथ। तो दोस्तों, अपना टाइम को आराम से रख लें, सभी हाइड्रेट हो जाएं, अपने पास एक वाटर बॉटल रखें, और यस आप सभी के पास एक कॉपी और एक पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रेमेडीज दी जाएगी वो रेमेडीज देने के वक्त हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो पेड रेमेडीज है, वो पेड क्लासेस में दी जाती है। इस वजह से रेमेडी देते वक्त रिकॉर्डिंग पॉज कर दिया जाएगा, वो रिकॉर्डिंग के अंतर्गत वो रिकॉर्डिंग में इंक्लूड नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों को दिया जाएगा जितने लोग आज हमारे साथ इस सेशन में आखिर तक बने रहेंगे। ओके, तो वी आर ऑल एक्साइटेड, यस। सभी के चेहरे में एक ब्राइट स्माइल ले आए, सभी अपने 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 चेहरे में एक ब्राइट स्माइल ले आए, मन में ग्रेटिट्यूड का इमोशन से भर लें, अपने आप को ग्रेटिट्यूड कहें, अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। ये अपॉर्चुनिटी जो हमें मिला है और कमिंग डेज में मंथ ऑफ अगस्त से जो होने चला है, उसके उसके बारे में भी आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताएंगे, शेयर करेंगे। और अभी भी अगर किसी के मन में कोई भी किंतु परंतु रह गया है, कन्फ्यूजन रह गया है, डाउट रह गया है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस सेशन में। तो आज के सेशन में बहुत कुछ रहने वाला है दोस्तों, बस आपको रखना है पेशेंस और चेहरे में स्माइल, और सेशन को कंटिन्यू करना है हमारे साथ। थैंक यू अगेन। चलिए हम लोग ओपनिंग प्रेयर से आज का सेशन को, आज के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से, सभी को अलोहा वंस अगेन। मैं हूं आपका दोस्त शाहरुख खान, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग पेशेंट विथ अस, बींग हेयर विथ अस, एंड लेट्स स्टार्ट विद द डिवाइन प्रेयर, प्रेयर आई। तो सभी अपने अपने हाथों को कहाँ रखना है हमें याद होगा, जितने लोग हमारे साथ, जितने हमारे साथ नए बंदे हैं उन लोगों को छोड़कर, जितने लोग पुराने हैं उन सभी को याद है कि हम लोग अपने हाथ को कहाँ रखते हैं। हम लोग अपने हाथ को अपने नेवल के ऊपर रखते हैं, राइट, अपने नेवल के ऊपर। तो सभी अपने अपने हाथों को अपने नेवल के ऊपर रखें, अपने नेवल के ऊपर रखें, आंखें आराम से क्लोज करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सभी आराम से रिलैक्स हो जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
और अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। 2 से 3 मरतबा आगे हम लोग फॉरगिवनेस ब्रीथिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेयर आई को रिसाइट करेंगे। तो चलिए इनहेल, सांस धीरे धीरे अपने अंदर भरे, होल्ड, कुछ देर सांस को तो पकड़े रखें, एक्सेल, ग्रेट। इसी तरह से 2 से 3 मरतबा हम लोग फिर करेंगे, सांस लेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ग्रेट। इसी तरह से हम लोग फिर और 2 से 1 बार करेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ग्रेट। बहुत अच्छे, एक और बार हम लोग कर लेंगे लास्ट टाइम, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, ग्रेट। आंखें बंद रखेंगे। अब जो हम प्रेयर डिसाइड करने जा रहे हैं, सभी अपने अपने दिल में इस प्रेयर को इस तरह से डिसाइड करें, मन ही मन में इसको डिसाइड करें, और ये इमेजिन करें कि ये आप अपने अंदर बैठे अपने अंतरात्मा से इस प्रेयर को डिसाइड कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा को ये प्रेयर याद दिला रहे हैं, अपने अंतरात्मा की उस शक्ति को, उस परम शक्ति को आप सजग कर रहे हैं, जगा रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम दी आई कम फोर्थ फ्रॉम दी वॉइड इनटू लाइट। आई एम दी ब्रीथ दैट नर्चर्स लाइफ। आई एम दैट एम्प्टीनेस दैट हॉलोनेस बियॉन्ड ऑल कॉन्शियसनेस। दी आई दी ईड the all, I draw my bow of rainbow across the water, the continuum mind with matters, I am the incoming and outgoing of breath, the invisible untouchable breeze, the undefinable atom of creation, I am the I, I am the I, I am the I. Great. Open your eyes and relax. Open your eyes and relax. Great. Great. सभी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। नमस्ते नीलिमा जी, नमस्ते गीतांजलि जी, माधुरी मैम नमस्ते, रश्मि जी नमस्ते, हेलो आकांक्षा, हेलो गीता मैम, हेलो हितल जी, नमस्ते लक्ष्मी जी, नमस्ते लीला जी, पलक जी, सभी को नमस्ते, रोशनी जी नमस्ते, सुनीता जी नमस्ते, नीलिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले आज का डे का हम लोग का अफर्मेशन जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आज का डे का अफर्मेशन जो आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये अफर्मेशन हमारे रूट चक्र से जुड़ा है। ठीक है, सभी के अंदर आज जितने लोगों के साथ हमारा 1-on-1 काउंसिलिंग होता है, ग्रुप काउंसिलिंग होता है, प्राइवेट काउंसलिंग चलता है, मैक्सिमम लोगों में जो मेजर इशू पाया जा रहा है, वो मेजर इशू है उनका रूट चक्र। मैक्सिमम केसेस में हम लोग देख रहे हैं कि उनका रूट चक्र इम्बैलेंस है, और आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे रूट चक्र अफर्मेशन प्रैक्टिस से। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ अभी अफर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, सभी अपने अपने साथ अपने पास इस कॉपी को रखें, या फिर आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और हम लोग सभी अपने आप को अनम्यूट करके एक साथ हम लोग सभी रूट चक्र अफर्मेशन एक साथ सभी दोहराएंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अपना कॉपी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो इशू। सभी को अगर स्क्रीन विजिबल है तो बताएंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes. सभी का स्क्रीन विजिबल हो रही है, कुछ देर में विजिबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे रूट चक्र का अफर्मेशन आप लोगों को दिया जा रहा है आज। ओके, यहाँ पे बहुत सारा अफर्मेशन है रिलेटेड टू आवर रूट चक्र। ठीक है, लेकिन हम लोग फर्स्ट वन जो अफर्मेशन है उसी को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सब एक साथ। ओके, तो आप लोग अपने अपना स्क्रीन शॉट ले लिए सभी,
सभी अपने अपने फोन से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसे बाद में कॉपी कर लेंगे या फिर जब इसका रिकॉर्डिंग दिया जाएगा वहां से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए सभी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, सभी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, सभी खुद को अनम्यूट करके चलिए हमारे साथ दोहराते हैं आज का ये। ग्रेट। अब बात आती है दोस्तों कि आप लोगों को ये बताते चले, सबसे बड़ी बात कि जितने लोग असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाए, जितने लोग उस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए, जितने लोग चाहते हैं कि मुझे भी सर्टिफिकेट मिले, मैं भी होकर अपना कोर्स करूं, फ्री में करूं, तो आप लोगों के लिए हमारे तरफ से एक अपॉर्चुनिटी ये रखा गया है कि हम लोग आप लोगों के लिए लाइफ टाइम आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं एक चीज और बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये चीजें जो आप लोगों के लिए दी गई है ये आप लोगों के बेटर हब के लिए है, आप लोगों के तरफ सोचकर, आप लोगों के फायदे को देखते हुए, नजर रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे मैसेज रिसीव हो रहा था कि सर फिर से नेक्स्ट क्लास कब होगा, नेक्स्ट बैच कब होगा, कैसे हम सर्टिफिकेट फिर से अचीव कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए हम बताते चले दोस्तों कि इसका नेक्स्ट बैच आज नहीं होगा, पहली बात, ठीक है, अच्छे से समझेंगे मेरी बात को, ध्यान से समझेंगे, सभी मेरे तरफ देखें, ध्यान से इस बात को समझें कि 3 डेज जो हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल ऑफ होपोनोपोनो हीलिंग कोर्स किया, ये कोर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब में डाल दिया गया है, पहली बात अच्छे से समझ जाए ताकि आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकेंगे। ओके, ये कोर्स आप लोगों के लिए यूट्यूब में डाल दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कोर्स का सेकेंड बैच नहीं होना है, ये कोर्स आप लोगों के लिए परमानेंटली अवेलेबल करवा दिया गया है, इसका रिकॉर्डिंग कभी भी यूट्यूब से हाइड नहीं किया जाएगा, इसकी वीडियोस को कभी भी यूट्यूब से हटाया नहीं जाएगा। तो बात आती है जितने लोग चाहते हैं कि हम लोग भी बाकी लोगों की तरह हो पुनः पुनः के उस बेसिक फंडामेंटल कोर्स को करें, सर्टिफिकेट ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से अचीव करें, तो आप लोगों को करना बस इतना है कि आप लोगों को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद सर्च कीजिए होपोनोपोनो फ्री कोर्स, होपोनोपोनो फ्री कोर्स जैसे आप सर्च करोगे आपको फ्री का जो कोर्स है वो चेक प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगा, आप अपने समय अनुसार अपने कन्वीनियंट टाइम में उस कोर्स को अटेंड करें, उस कोर्स को पूरा देखें। कोर्स देख लेने के बाद ये मैसेज मैं कन्वे कर रहा हूँ, ये वीडियो जब यूट्यूब में देखेंगे सब लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएं। कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद, Q&A सेशन कंप्लीट कर लेने के बाद टोटल 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, 3 डेज का 3 वीडियोस और 1 डे Q&A सेशन। ये चारों वीडियोस देखने के बाद आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे कि सर मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही आपका मैसेज हमें रिसीव होगा हम लोग आप लोगों के साथ असेसमेंट का लिंक शेयर कर देंगे, असेसमेंट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसमें टाइमर रहेगा ओनली 15 मिनट्स, क्योंकि मैंने देखा एवरेज पीपल्स आर कंप्लीटेड देयर असेसमेंट विद इन 7 मिनट 6 मिनट 5 मिनट्स, इसलिए हम लोगों ने यही टाइम रखा है 15 मिनट्स का। तो असेसमेंट का लिंक दे दिया जाएगा उन लोगों को, उन लोग असेसमेंट देखकर वेट करेंगे, विद इन 1 वीक के अंदर उनका असेसमेंट का रिजल्ट देख चेक करके उनका सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं दोस्तों, ये लाइफ टाइम ग्रेटिट्यूड इन हिंदी की तरफ से स्पेशली हो पुनो पुनो के इस बेसिक कोर्स के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। कितने लोग इससे एक्साइटेड हैं, कितने लोग सोचते हैं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा, या हमारे दोस्तों के लिए, या हमारे जान पहचानों के लिए, या हम अगर एक कोच हैं, हम अगर एक मेंटर हैं, तो हम अपने ग्रुप मेंबर्स को भी ये शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं और उन्हें बेसिक करवा सकते हैं, राइट? ये बात गया आप लोगों का बेसिक, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि कैसे होगा कोर्स, कैसे करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने बिल्कुल सारे स्टेप को बहुत ही सिंपल वे में रख दिया है। ओके, अब हम बात आती है कि अब जितने लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेट अचीव किए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, एक एक करके हम लोग सभी के पास आएंगे, सभी के पास हम लोग आएंगे जितने लोग शेयर करना चाहते हैं, और उनको बस एक ही बात हम उन लोगों के पास से 2-3 फीडबैक पास हम लोग चाहेंगे कि ये 3 दिन का कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा या नहीं, क्या सीखने को मिला और आगे आप इसका क्या उपयोग करना चाहते हैं, राइट? तो सभी अपना अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में
जहाँ पर आप लोगों का कॉन्टैक्ट है, पार्टिसिपेंट लिस्ट है, वहाँ हम देख पाएं, ताकि मैं एक एक करके सभी के पास आ सकूँ। और जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास हम इसके बाद आएंगे, तो कृपया पेशेंस रखें। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों। और सबसे पहले हमारे जो ग्रेटिट्यूड निंदे के जो बेसिक कोर्स को जिन लोगों ने कंप्लीट किया है, राइट, अपने अपने सर्टिफिकेट को अपने साथ रखें। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो जो जिनके पास अपना सर्टिफिकेट रेडी है वो अपना हैंड रेज करें, ताकि मैं उन्हें अनम्यूट करूं और वो हमारे साथ आके अपना फीडबैक शेयर करें। ओके, सबसे पहले ये बात आप लोग याद रखें दोस्तों, ध्यान में रखें कि ये फीडबैक आप लोग जो ये हाईलाइट होंगे यहाँ पे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लोग आपको हो पुनो पुनो हीलर हिसाब से पहचानेंगे, लोग जानेंगे कि आप हो पुनो पुनो प्रैक्टिशनर हो, राइट। और ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को ये एक मौका दिया जा रहा है। हम लोग अगर चाहते हैं सच में कि आगे चल के हम लोग भी हो पुनो पुनो के माध्यम से खुद के साथ साथ दूसरों का लाइफ में भी इंस्पिरेशन लाएं, दूसरों के लाइफ में भी मोटिवेशन क्रिएट करें, दूसरों के लाइफ में भी हम लोग हेल्थ वेल्थ और पीस क्रिएट करें, तो ये प्रेयर, ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं आप लोगों को एक एक करके बोल सकूं। ओके, सबसे पहले हम हमारे प्राइम मेंबर के पास हम लास्ट में आएंगे, ठीक है, सेकेंड स्टेप में आएंगे। आगे हम लोग हमारे हमारे जो ग्रेटिट्यूड हिंदी के मेंबर्स हैं उनके उनसे हम लोग आगे हम लोग बात करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच विजय जी, आपको हम ऐड कर रहे हैं। ओके, सो विजय जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्ते सर। हेलो मैम। जी मैम, सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाएं। सभी अपने अपने तरफ से कंग्रेचुलेशन कहेंगे विजय मैम को, कंग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट। थैंक यू सो मच सबको। ग्रेट जी मैम, अपना फीडबैक बताएं। जी सर, जब मेरे यहाँ छोटे बेबी है तो थोड़ा सा आप नो इशू मैम, हम सबके घर में हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपने बताया ना, मैं उसको थोड़ा अलग टाइप से सोचती थी कि होपोनोपोनो मतलब कोई चीज करने के लिए है या किसी चीज के लिए हमको करना है तो वो हमको मिल जाएगी। बट जब आपका मैंने सेशन देखा तो उसमें ये दिखा, आप एक लाइन मुझे हमेशा याद रहेगी, वो ये कि होपोनोपोनो अगर किसी पर्पज से किया तो वो पर्पज फुलफिल होगा, बट अगर आपने बिना पर्पज से किया तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा। ग्रेट, तो वो मैंने वो चीज देख ली और मेरे साथ मैजिक होए जा रहे हैं अभी। सो मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने ये कोर्स किया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं इससे। और मैं चाहती हूँ कि ये आपकी आपके थ्रू मैं दूसरों को भी मतलब इसमें लाके और उनको अच्छा करूँ मैं लाइफ, जैसे मेरी लाइफ अच्छी हो रही है वैसे सबका हो। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके, इसी तरह से देखें। थैंक यू सो मच विजय मैम, जिस तरह से विजय मैम ने बताया, इन शॉर्ट उन्होंने बहुत सारी चीजें कवर कर दिया, राइट, अपना अचीवमेंट भी शेयर किया, उनका अपना ऑब्जेक्टिव भी शेयर किया। इसी तरह से हम रिक्वेस्ट करेंगे बाकी सारे मेंबर्स इसी तरह से अपना अपना एक्सपीरियंस फीडबैक शेयर करें। ओके, ठीक है, हम रोशनी को हाईलाइट कर रहे हैं। रोशनी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। वन मिनट सर जी, कोई बात नहीं मैम, आप टाइम ले लीजिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट, तब तक हम कोई और तैयार है, बाकी मेंबर जिन लोग हैं प्लीज रेज योर हैंड कर लें, ताकि हम लोग एक एक करके सबके पास आ सके, ठीक है। सभी मेंबर्स को हम लोग नहीं, कुछ कुछ मेंबर्स को हम लोग लेंगे। यस, थैंक यू सो मच रोशनी, कंग्रेचुलेशन। सभी अपना अपना हाथ उठा के कंग्रेचुलेशन कहें। कंग्रेचुलेशन कहने से दोस्त कतराए नहीं, क्योंकि कंग्रेचुलेशन कहना अपने आप में एक ऐसा स्विच वर्ड है, एक ऐसा वाइब्रेशन आप क्रिएट करते हो अपने अंदर से, कि जब आप दूसरों को कंग्रेचुलेशन कह रहे हो दोस्तों, यूनिवर्स आपके लिए ऐसी चीजें, ऐसे वाइब्रेशन, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे कि आपका पास ऐसा मौका आएगा कि लोग आपको हैंड रेज करके इस तरह से कंग्रेचुलेशन कहेंगे। तो सभी चाहते हैं ना कि हमें भी लोग कंग्रेचुलेशन कहें,
तो अगर आप चाहते हैं कंग्रेचुलेशन लोग आपको कहें तो आप कंग्रेचुलेशन कहने से बिल्कुल कतराए नहीं, जी भर के दिलो जान से एकदम दिल से एकदम दूसरों को कंग्रेचुलेट कहें उनके सक्सेस पे। ठीक है, आपके लिए भी बहुत सारा सक्सेस वेट कर रहा है और वो आपके ऑन द वे है। जी रोशनी, रोशनी आप हमें सुन पा रही हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। जी यस सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस सर्टिफिकेशन एंड इस कोर्स के लिए जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है और हमेशा रहेगा। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जो सबके पास नहीं पहुंच पाता है, हमारे पास आया, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है। तो रोशनी आप इस कोर्स के करने के बाद आपका क्या इरादा है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आपका क्या गोल सेट है, आप क्या करना चाहती हैं, इस पर इसका यूटिलाइज आप कैसे करोगे? इस कोर्स को आप करने के बाद इसको कैसे आप फायदा में लाओगे, अपने लिए करोगे या दूसरों के लिए प्रैक्टिस करोगे, आगे इसको लेके आपने क्या विजन सेट किया है अपना, एनी गोल आपने सेट किया है कि आगे कुछ करना है इसको लेके? रोशनी आप हमें सुन पा रही हैं? ओके, नो इशू, हम लोग आते हैं रोशनी के पास आएंगे, हो सकता है कोई चैलेंज हो। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं कंचन जी के पास। ओके, और हमारे जो भी प्राइम मेंबर्स हैं उन लोग के पास भी हम लोग आएंगे। सबसे बड़ी बात, खुशनसीब हम लोग सभी बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि ये चीजें जो होती है ये इंस्पिरेशन से ही होती है। हम सबको ये मौका मिला कि हम लोग अपने अपने इंस्पिरेशन को शेयर किया। नो इशू रोशनी, हम लोग समझ सकते हैं आपका नेटवर्क चैलेंज है, नो इशू, हम लोग बाद में कनेक्ट कर लेंगे आपसे। जी कंचन मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. Hello, ma'am. Sir, this is my certificate. Congratulations. सभी अपने अपने हाथ लगाए congratulations कहें। थोड़ा अच्छे से दिखाएं मैम, हम लोग देख नहीं पाए सही से। Yes, sir. जी, wow, great, 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 great. जी मैम, अपना फीडबैक शेयर करें, आप कहना चाहेंगे कुछ? सर मैं आपसे तो बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो सर मैं होपोनोपोनो मॉर्निंग में आफ्टर वेकिंग अप में करती हूँ एंड नाइट में भी सोते वक्त भी 108 बार करके ही सोती हूँ। एंड सर जितनी भी नेगेटिविटी मेरे मन में रहती है किसी भी चीज को लेके तो वो इनडायरेक्टली खत्म हो जाती है, कभी एंगर एंग्जाइटी। इवन मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये होता है कि ना मुझे कोई डिसीजन लेना रहता है या नॉर्मली कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम होती है एंड इफ आई डू होपोनोपोनो फॉर दैट, तो जो अगर नेगेटिविटी जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या उसका कभी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है दोनों में से अगर जो भी एक चीज रहती है मुझे ऑटोमेटिकली इंट्यूशन से आती है तो मेरे लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। ये मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी लेकिन आफ्टर डूइंग होपोनोपोनो मैंने ये बात देखी है कि ना मैं जब भी होपोनोपोनो किसी चीज के लिए करती हूँ तो मुझे उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट इंट्यूशन से ही आ जाते हैं तो मुझे डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइक हेल्थ इशू हो गया या नॉर्मली कभी रिलेशनशिप इशू हो गया तो वो मैं अपने लिए ही करती हूँ तो मुझे बाहर का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे अंदर ही अपने अंदर एक शांति आ जाती है तो मुझे बहुत, और मैं खुद ना रोज डेली उसको एक इंटरेस्ट के साथ करती हूँ, मुझे करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके मैम, सो मैम आपका ये बेसिकली आप अपने लिए ही कर रही हैं, राइट? अपने सेल्फ के लिए ही कर रही हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अपने आप राइजेस हो रही है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज आई जा रही है। जैसे मुझे अगर नॉर्मली अगर मनी इशू है सपोज तो फिर मैम सर ऐसा ना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक मेरी लाइफ में आ जाती है कि मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड सबसे मेन बड़ी बात जो मुझे होपोनोपोनो करने से हुई है वो है मुझे खुद की मन की शांति जो मेरे लिए सब सुपीरियर है। ग्रेट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही हमारा मेन प्रायोरिटी होना चाहिए, मन की शांति। ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपका हर सारा फीडबैक, हम सबके लिए हेल्पफुल होगा, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे ग्रेटिट्यूड जिंदगी मेंबर की तरफ से कोई और जाना चाहेंगे? हमारी दीपाली जी हैं, सुनीता जी हैं, शिवानी जी हैं, रेणुका मैम हैं, रेशमी जी हैं। ओके ठीक है, तब तक आप लोग अपना अपना हैंड रेस करें, अब हम लोग ले लेंगे हमारे
प्राइम मेंबर को, ओके, जो हमारे साथ लास्ट 6 मंथ से जुड़े हैं और उन्होंने ओपनोपनो के वो कोर्सेज कंप्लीट किए हैं जिसे हम लोग इंटरमीडिएट, प्रोफिशिएंट एंड एडवांस तीनों लेवल में कराते हैं। टोटल 3 लेवल होता है। यही रीजन है कि हम लोग ओपनोपनो को 6 मंथ में पूरा कंप्लीट करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा आकांक्षा को, आई बिलीव कि वो हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं अभी तक। यस, सो आकांक्षा अपने आप को, एक सेकेंड मैम, हम आ रहे हैं आप सबके पास, ठीक है। आकांक्षा को सबसे पहले हम ये करेंगे क्योंकि आकांक्षा है, हमारे नीलिमा जी हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे साथ लास्ट 6 मंथ से भी ज्यादा टाइम से जुड़े हुए हैं और बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने एक नहीं दो दो सर्टिफिकेट अचीव किया है, राइट? ओके, सो आकांक्षा अनम्यूट योरसेल्फ, खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो आकांक्षा, कैसे हैं आप? सर वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। गुड 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 गुड। अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मतलब मुझे बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जी, अभी एक और बात शेयर करना है आकांक्षा के बारे में, तो सभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे। यस आकांक्षा, गो अहेड। यस सर, ये मेरा सर्टिफिकेट है, पहले ये वाला सर्टिफिकेट है 6 मंथ का। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, सभी अपने तरफ से कांग्रेचुलेशन कहेंगे। डबल ग्रेटिट्यूड, हम लोग सुना है डबल हैप्पीनेस, राइट? आज हम लोग सुन रहे हैं डबल कांग्रेचुलेशन, राइट? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, तो आकांक्षा आपका फीडबैक क्या होगा, हमारे जो बाकी मेंबर्स हैं उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मतलब जो मेरा सक्सेस मुझे हासिल हुआ है वो तो सब आपकी वजह से और श्रेया दी की वजह से, आप दोनों की वजह से, आप दोनों का मेहनत, जिसके कारण आज मैं इतना 6 महीने तक जुड़ी, फिर जाके बेसिक ओपनोपनो का करने का भी मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुआ। और पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर आपका जो मैंने जो ये जुड़ा आपसे, ये तो डिवाइन ही आपसे जुड़ाया है क्योंकि मैंने उनसे साइन मांगा था और मुझे एक ऐसा होपोनोपोनो चैनल चाहिए जो कि बस होपोनोपोनो प्रेयर से ही रिलेटेड हो। तो मैंने ऐसे मतलब यूनिवर्स ने मुझे साइन भी दिया और मैंने आपसे वैसे जुड़ा भी और मैंने 6 महीना पूरा मतलब कंप्लीट भी किया और 6 महीने का जो कोर्स था वो एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल है देखा जाए तो, क्योंकि अगर 6 महीना हम मतलब अपने लिए दे रहे हैं, जो भी हमारा इश्यूज होता है वो ऐसा नहीं कि आउटर रियलिटी में मतलब कुछ हो रहा है, इसका मतलब उस वो जो इम्पैक्ट हमें कर रहा है वो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही जो कुछ होता है, ये मैंने सीखा है होपोनोपोनो प्रेयर से, बट हमारे अंदर ही कुछ होता है जिसके कारण हमने वो गलती की होती है जिसके कारण मतलब इतने सारे इश्यूज हमारे आउटर रियलिटी में देखने को मिलता है। फर्स्ट तो ये मैंने सीखा और सेकेंडली जो बेसिक होपोनोपोनो जो क्लास में जो शेयर भी ने कहा था और शारिक सर ने भी ये मेंशन किया था कि मतलब बिना इंटेंशन के करने से तो चमत्कार होते ही हैं और इंटेंशन लेके करोगी तो बस जो होता है वो पूरा होता है। तो हमें इंटेंशन क्यों ही लेना है, हमें बिना इंटेंशन के करने से हमारी भी हीलिंग होगी, साथ ही साथ हमारे मतलब जो हमारे लिए सही होगा वो चीज़ तो होगा। तो इसके लिए तो मैं पहले शारुख सर को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने जो 6 महीने का जो कोर्स किया और जिसके कारण मैं उसको यूटिलाइज कर पाई और बहुत कुछ सीखा है जो आगे जाके शायद मुझे बहुत 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 ही ज्यादा हेल्पफुल होगा सर। और 6 महीने के कोर्स में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जो मैं बोल नहीं सकती, अब मतलब अगर इंटरेस्ट आगे होता है जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको पता चल जाएगा कि 6 महीने के कोर्स में क्या क्या मतलब दिया जाता है। और साथ ही साथ हम 6 महीने के कोर्स में मतलब मस्ती भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक तो मतलब बोरिंग क्लास होता है, इंटरेक्टिव क्लास बहुत होता है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें मतलब हम सर के साथ इंटरेक्ट करते हैं और सर एक फ्रेंड की तरह हमें मतलब ट्रीट मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुरु की तरह, गुरु है हमारे वो, लेकिन वो ऐसे इतने स्ट्रिक्ट नहीं है सर वो, मतलब जैसे रियल में हम देखें तो मतलब वो हमारे ही तरह हैं, तो मैं और क्या कहूँ। तो वो है और ये भी कहूँगी कि सर का जितना इम्पोर्टेंट रोल है मेरे लाइफ में उतना श्रेया जी का भी है, वो तो अभी है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब कहना चाहूँगी मेरे इन सर्टिफिकेट के लिए, उनका भी बहुत बड़ा रोल है
सर ने जितना मुझे हेल्प किया है, दी ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। वो मेरी छोटी बहन जैसी है, तो अगर आज वो होती तो शायद वो सुन पाती, लेकिन आई होप कि वो वो सुन रही है। यस बात में सुने। और मैं रियली बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ श्रेया दी को। वो मेरी लाइफ में आई और उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया, और वो मतलब वो मेरी हमेशा, मैं उनको एक बहन मानती रहूंगी। और सर तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जब भी कुछ मेरे को जरूरत होता है सर को मैं मैसेज करती हूँ। जब क्लासेस होता था तो मैं सर को कहती थी सर मुझे आपसे बात करनी है, तो सर बोलते थे कोई बात नहीं आकांक्षा आप अभी कॉल करें, और सर मुझसे बात करते थे मुझे समझाते थे। और इतना अपॉर्चुनिटी कहीं पे भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता कि मतलब हम सडन ऐसे बोले और सर और श्रेया दी मतलब बोले कि ठीक है आप कॉल करो। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे को दीदी से बात करना होता है, जैसे श्रेया दी का बात कर रही हूँ मैं, उनसे बात करना होता है तो वो मतलब एक एक घंटा दे देती है बात करने के लिए। सर को भी जब भी मतलब मुझे मेरा जरूरत पड़ा है उनको, तो वो मतलब और हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और वो मैं और कुछ बोल नहीं सकती, मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे मेंटर्स मिले हैं। और थैंक यू सो मच सर, अ बिग थैंक यू पहले तो आपको, क्योंकि आपने अगर ये ग्रुप नहीं बनाया होता तो शायद आज हम ये 6 महीने का कोर्स नहीं कर पाते। मैं मतलब आगे जाके मैं शेयर को तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन आगे जाके सर के थ्रू से मैंने उन्हें जाना, और शी इज वेरी ब्यूटीफुल सोल। और सर आप तो बहुत अच्छे हैं, और मैं बस इतना ही कहूंगी आपकी बहुत कि अच्छा। हमारी कनेक्शन ऐसे ही जुड़ी रहे आप सबके साथ, और मैं हमेशा जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूंगी इस ग्रुप के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ग्रुप है। मतलब बहुत सारे ऐसे आपको ग्रुप मिलेंगे, लेकिन ये ऐसा एक तो ग्रुप है कि जहाँ पे हम एक बार जुड़ गए ना तो और जाने का मन नहीं करता। मतलब बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज हमें दिखते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं। तो बस यही कहूंगी मैं सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस ग्रुप को बनाने के लिए। और थैंक यू, अगर आज आप ग्रुप ही नहीं क्रिएट करे रहते तो शायद मैं आप लोग से जुड़ नहीं पाती सर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच श्रेया दी, थैंक यू सर, और बहुत सारा थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप सबको। थैंक यू सो मच आकांक्षा। आकांक्षा के बारे में हम एक बात आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि आकांक्षा हमारे साथ लास्ट 7 to 8 months से भी ज्यादा हो चुका है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो स्टूडेंट हैं। पहली बात, वो स्टूडेंट हैं, लेकिन कभी भी मैंने उनके अंदर ये चीज नहीं देखा कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कोर्स करूंगी, मेरे पास कैसे मैनेज करूंगी, ये चीजें उनके अंदर कभी नहीं थी। क्योंकि वो होपोनोपोनो को लेके हमेशा से इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, इतना क्यूरियोसिटी है उनके अंदर होपोनोपोनो को जानने का, समझने का। और हम देखते थे कि जब भी अगर कुछ हमारा ऐसे होपोनोपोनो के सिवा भी बहुत सारे मोडालिटीज पे क्लासेस होते हैं, राइट जी आकांक्षा, हम आ रहे हैं आपके पास, बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन जिस दिन ज्यादा होपोनोपोनो पे क्लासेस हो जाता या टॉपिक शेयर हो जाता, तो हम देखते थे कि आकांक्षा मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलती कि सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास, क्यों, क्योंकि अब थोड़ा ज्यादा हम लोग होपोनोपोनो के बारे में कुछ नया सीखे। तो देखिए, ये इंटरेस्ट ही उनको हमारे साथ 8 महीने से जोड़े रखा है, और आई बिलीव कि आगे भी उनको जोड़े रखे, राइट। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। एक और अचीवमेंट उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, उसके बाद हम आकांक्षा के पास जा रहे हैं फिर से। आकांक्षा ही एक वैसा मेंबर है जो 50 out of 60 मेंबर के अंदर, 100 मेंबर का टोटल असेसमेंट हमारे पास सबमिट हुआ था, उसमें से 53 मेंबर्स आई बिलीव एलिजिबल हुए हैं। मिडेस्ट ऑफ द मेंबर्स आई बिलीव उन्होंने सेशन नहीं लिया था और डायरेक्ट असेसमेंट लिया है, इस वजह से उन लोग एलिजिबल नहीं कर पाए, लेकिन नो इशू, उनके लिए ऑप्शन है जो मैंने प्रीवियसली बता दिया। अब सभी ने अगर एक क्वेश्चन, आप लोगों को पता है जितने लोगों ने अटेंड किया है सेशन असेसमेंट, सभी को लगा है क्वेश्चन बहुत ईजी थे। कितने लोगों का लगा कि क्वेश्चन टफ था, राइट? क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ईजी था, और इतना इजी था कि सभी ने, मोस्ट ऑफ द पीपल हैड अचीव 29 मार्क्स, मैं 30 में 29 मार्क्स के सभी को मिला है, लेकिन उस पूरे क्वेश्चन शीट में एक क्वेश्चन इतना ट्रिकी था कि सब उसको समझ नहीं पाए। और एकमात्र सिर्फ आकांक्षा ही वो स्टूडेंट हैं, वो मेंबर हैं हमारे, जिन्होंने उस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर दिया था। और वो क्वेश्चन था कि क्या हम होपोनोपोनो ग्रुप के साथ कर सकते हैं, राइट? तो वहां पर 4 ऑप्शंस थे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने कहा था हाँ कर सकते हैं। अब किसी ने कहा था नहीं कर सकते, किसी ने कहा था कि कर सकते हैं लेकिन सर्टेन गाइडलाइंस के साथ। लेकिन वहां पर ऑप्शंस जो दिया था मैंने, वहां
दो ऑप्शन होते हैं, वहां एक आंसर नहीं होता, इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने करेक्ट आंसर चुना है, लेकिन एक चुना था जहां दो होना चाहिए था। और आकांक्षा एक ऐसी हैं, मेंबर हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया था, इसी वजह से वो पूरा 30 out of 30 अचीव किए। अगर वो क्वेश्चन नहीं रहता तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ही 30 में 30 ही पाते, अचीव करते, लेकिन बाय गॉड ग्रेस देखिए कैसे कि वो क्वेश्चन सेट हुआ और कैसे वो चीजें सेग्रीगेट हो गई। सो दैट्स ऑल अबाउट आकांक्षा। आकांक्षा सच में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छी मेंबर है और एक बहुत अच्छी सोल है। दोस्तों आगे आप लोग देखेंगे आकांक्षा को कि एज अ होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर, एज अ होपोनोपोनो मेंटर, आप लोग बहुत जल्द आकांक्षा को देखेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म से कि वो बहुत सारे मेंबर के लाइफ में होपोनोपोनो के लर्निंग को शेयर कर रहे होंगे। ये आकांक्षा गो हेड, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं तो खुद ये क्रेडिट नहीं लूंगी, क्योंकि मतलब आज इतना भी मेरे को मतलब जो हाईएस्ट रैंकिंग हुआ है और मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि मेरे को 30 आएंगे। जब आपने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कहा कि आपका हाईएस्ट आया है, तो मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने सारे लोगों में से कोई एक, मतलब वो तो बहुत ही बड़ा बात है सर। और इसका पूरा क्रेडिट मैं आपको और श्रेया जी को देना चाहती हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि सर, जो आपने मेंशन किया था कि होपोनोपोनो प्रेयर, मतलब जब भी कुछ होता है तो मैं आपको, मतलब मेरा एक इंटरेस्ट होता है, आज भी मतलब मेरे लिए शायद ही ये पुराना हो गया होगा, 6 महीने से मैं सीख रही हूँ, लेकिन वो जो क्यूरियोसिटी होती है सीखने की, वो आज भी है। मतलब वो, मतलब पुराना हो जाता है कोई चीज तो इंसान को अच्छा नहीं लगता सीखना, बोर लगने लगता है ना। तो वो चीज आज भी है कि नहीं, कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और एक चीज है कि सर, जो हम लोग सीखते हैं हमें कभी इसके लिए मतलब ऐसा वो घमंड, ईगो नहीं आना चाहिए कि हम वो सीख चुके हैं, हमें वो पूरा नॉलेज आ गया है, क्योंकि हम सब एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। तो वो अगर वो घमंड आ जाता है, वो ईगो आ जाता है, तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें हमेशा रूटेड रहना चाहिए, हमें हमेशा ये जान के रहना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा वो रूट कहाँ से है, हम कहाँ से आए हैं, तभी जाके एक इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, एक नॉलेज हासिल कर सकता है। तो बस वही कहूँगी सर कि मेरा तो नॉलेज, मतलब मेरा अभी आज भी वही चाह रहता है कि मैं और सीखूँ, मेरे को जितना मैं जितना सीखती हूँ उतना कम लगता है, मेरे को उतना नया लगता है सर। तो बस इतना ही कहूँगी कि हमेशा एक इंसान को रूटेड रहना चाहिए, और क्योंकि वो तो सब भगवान ही दे रहे हैं, आज भगवान की वजह से ही आप और आप दोनों मेंटर्स मुझे मतलब मिले, मैं सीखी। तो किस चीज का घमंड है सर, बस आए हैं जिंदगी में, एक दिन जाना है, तो खुशी से रहो और क्या बस। और मेंटर्स आपके और श्रेया जी का आशीर्वाद रहे मेरे ऊपर, हम सब सोल्स के ऊपर, बस इतना ही चाहते हैं कुछ नहीं। थैंक यू सर। हमें अपने अंदर घमंड नहीं, लेकिन अपने सेल्फ के ऊपर हमेशा प्राउड करना चाहिए, ठीक है? ये प्राउड ज्यादा हो जाए तो घमंड बन जाता है, लेकिन घमंड नहीं, अपने आप पे हमेशा प्राउड कीजिए, अपने सेल्फ को हमेशा ब्लेस्ड कीजिए, अपने सेल्फ को हमेशा इनकरेज कीजिए कि यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग बेस्ट, ठीक है? इस तरह से आप लोग जब सेल्फ लव करते हो मिरर के सामने खड़े होकर, तो इस तरह से खुद को प्राउड फील कराइए, राइट? अपने सेल्फ को जितना प्राउड फील कराएगा वो आपको उतने अच्छे अच्छे चीजें ला कर देगा, करने में आपको हेल्प करेगा। ग्रेट, बहुत सारे लोग वेट में हैं। थैंक यू सो मच आकांक्षा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपके सारे फीडबैक आई बिलीव कि ये बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बाकी लोग भी इसे सीखने की समझने की कोशिश करेंगे और आगे आगे चल के और भी बहुत सारे होपोनोपोनो मेंटर ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से निकलेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? अब हम आ रहे हैं हमारे नीलिमा जी की तरफ, बहुत ऐसे वेट कर किए हुए हैं हमारे नीलिमा जी, ठीक है? हम ऐसे ऐसे के आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे वैसे हम सबके पास जा रहे हैं। सो यस नीलिमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, सबसे पहले आपको नमस्ते। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक काम करें हेडफोन खोल दीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए मैम, उसके बाद फिर बताएं, आई बिलीव हो जाएगा। सब मेरे फैमिली मेंबर, जी जी, पुराने नए सब सब तो देख रहे हैं आपको। आप ऐसा इमेजिन करें कि जितने मेंबर्स आपको पहचानते हैं सब देख रहे हैं, अभी नहीं
लेकिन देखते हैं, ठीक है, सभी के पास ये चीजें पहुंचेगी। हाँ सर, मैंने वो बेसिक वाला, सर मैं तो अभी दिसंबर से जुड़ी हुई हूँ आपसे, दिसंबर से। पहले मैंने जॉइंट में ग्रुप जॉइंट होने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन पता नहीं हो आपसे जुड़ना है हो कौनों से जुड़ना है, तो मैंने खुद किया, फिर लिंक, फिर आपका बहुत सारा वीडियो देखा, बाद में मैं जॉइंट हुई, फिर हमारा वो प्राइम मेंबर ग्रुप बन गया उसमें, तो तब से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरी लाइफ में इतना चेंजेस कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकती। और पता नहीं छोटी छोटी चीज तो ऐसे ऐसे ही हो जाती थी मेरी, और सब बोल रहे हैं ना कि उस कभी होपोनो करने के लिए ऐसा इंटेंशन मत रखो कि काम होगा नहीं होगा, आप बोलते जाओ करते जाओ, तो मतलब कुछ भी काम, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, सर को पता है। आज भी मैं, सर ने हमारे प्राइम में मेरे लिए वॉइस छोड़ा था कि नीलिमा जी आपको हो सके तो ज्वाइंट कर लो, और यूनिवर्स की या सर का अच्छा इंटेंशन होगा कि मैं टाइम पे आ गई और जुड़ गई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आज, क्योंकि आज सर्टिफिकेट सर में था तो मुझे अंदर से हो रहा था कि मैं उसमें ज्वाइंट हूँ। और अभी 2 महीने से तो मेरी लाइफ में थोड़ा चैलेंजेस आ रहा था, मतलब कि रिलेटिव्स में, सर को बहुत ज्यादा नजदीक से, और सर ने स्टोरी भी शेयर किया था सब ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे सब में, तो सर ने नाम नहीं लिया था, लेकिन मैं उसी में उलझी हुई हूँ, और क्लियर भी हो गया है, मतलब 90-95%, क्योंकि बहुत मेजर इश्यू था, तो अभी मैं आउट ऑफ सिटी जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स को या सर का कुछ इंटेंशन होगा कि नीलिमा जी जॉइंट हो, और वो पोनो पोनो मेरा मतलब चलता रहता है, तो मैं, और सर ने हो पोनो पोनो के साथ इतने सारे टूल्स सिखाए हैं कि हमको, सर ने तो इतना दिया, हमको बटरना आना चाहिए कि कहाँ कैसे यूज करे अपनी लाइफ में, दूसरे की लाइफ में, हो पोनो हीलर बनने वाले है तो कैसे यूज करेंगे, और हम लोग इंतजार करते रहते थे इतना, सर 8 मंथ हो गया ना शायद हमारा अभी, 8 मंथ, हाँ, तो हम लोग इंतजार के सैटरडे संडे कब आएगा, पहले तो वीक में 3 बार होता था, एक एक दिन छोड़ के, तो हम लोग इतना एक्साइटमेंट रहते थे ना कि आज ये दिन है तो आएगा, आज ये दिन है, और हो पोनो पोनो का जब भी सर सिखाते थे तो हम लोग को इतना पता नहीं, 2 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा कहाँ चला जाता था हमको पता नहीं चलता था, और इतना सर ने, मतलब कि सर तो बोलते हैं कि मैं आपका मेंटर नहीं हूँ, आपका गुरु नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे मेंटर है, गुरु है, और रहेंगे पूरी लाइफ रहेंगे, और सर ने हमारे साथ मतलब कि फ्रेंडली बात कर सकते हैं, हम लोग अब इतने क्लोज हो गए आज, कभी भी कोई भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस इश्यू है तो हम लोग सर को मैसेज कर देते हैं कि सर ये आप फ्री हो, तब सर जब भी देखते तुरंत कि नीलिमा जी बात करिए, और 5 मिनट की जगह मेरा नेचर ऐसा है ना 15 मिनट हो जाता है, तब भी सर को कोई इश्यू नहीं है, कौन से ट्रैक पे चले जाते हैं वो मुझे पता नहीं चलता, मतलब कि जो कई बार तो मेंटर ऐसे होते हैं ना कि चलो हमारा टाइम ये हो वो है, कभी सर ने मुझे ऐसा एहसास नहीं करवाया कि नीलिमा जी आप मेरा टाइम, क्योंकि सर इतना बिजी रहते, हमको पता है कितना बिजी है सबका, डिस्टेंस हीलिंग ये हमारे जैसा कई लोग है, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, और अभी 2 महीने से तो मेरा ऐसा कि सर मेरे लिए गॉड के रूप में, मैं ऐसा बोल सकती हूँ गॉड के रूप में, सर के साथ में नहीं जुड़ी हुई होती तो मैं पता नहीं मैं अभी ऐसा समय आता होगा कि पता नहीं मेरा मुंह मेंटली फिजिकली मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन सर के साथ जुड़ने का यूनिवर्स का भी वही इंटेंशन होगा कि आप जुड़ो और सर के साथ जुड़ो और लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, इसीलिए पहले से मुझे यूनिवर्स ने बता दिया था कि एक ग्रुप में जोड़ो आपका अच्छा होने वाला है सब, मेरा कुछ ज्यादा इश्यू नहीं था कि मैं इसीलिए जुड़ी, मुझे अच्छा लगा, मैं पहले से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, रेकी मास्टर हूँ, रेकी सीखा है एंजल सब, लेकिन मुझे सर के साथ इतने लंबे समय तक मैंने कहीं पे भी मैं जुड़ी नहीं हूँ, अभी भी मैं तो सर के साथ जुड़ी हूँ, आगे भी जुड़ती जाऊंगी, और हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं अभी भी ज्यादा सर के साथ, और अभी सर बेसिक ये सर्टिफाइड वाला सब
पूरे बड़े ग्रुप के साथ कर रहे थे तो हमारा क्लास अभी स्टॉप है, तो मैं सर से जब भी बात करती हूँ तो सर से, सर अब हमारा क्लास कब शुरू होगा, सर हमारा क्लास कब शुरू होगा, ऐसा तो सर के ठहरिए आप सबका होगा तो बिलीव नहीं कर सकते। और हमारा ग्रुप भी इतना अच्छा है, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर ने जो प्राइम ग्रुप हमारा किया वो मैं बिलीव नहीं कर सकती, इतना अच्छा कि, और मैं तो 8 मंथ से, मैं आकांक्षा बहुत सारे, आई थिंक निमिषा जी है, गीता जी है, बहुत सारे ऐसे है कि हम लोग 8 मंथ से जुड़े हुए, लेकिन कभी हमको ऐसा नहीं था कि बोरिंग, ये वो, श्रेया थी, सब मेरे से छोटे हैं, सर भी छोटे हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब कि मेंटर, मतलब मेंटर कुछ ऐसा नहीं कि चलो कंटाला आता है ये है। मेरी, मैं सर को हर बार बोलती हूँ कि सर आपसे साथ में प्राइवेट भी कुछ बात करना हो तो 5 से 10 मिनट भी बात करूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मैं सर को सामने से बोलती हूँ कि सर मुझे बहुत अच्छा लगता, तो आप सोचो क्लास में कितना अच्छा लगता होगा, 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटा तो बहुत अनबिलीव, मैं कुछ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि प्राइम में आके मुझे क्या मिला, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा मेरा स्पीच और मुझे बात करने की भी बहुत ज्यादा आदत है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। सर ने बहुत सिखाया और मेरा लाइफ पूरा चेंज, मतलब कि छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी जो भी हो वो मैं बिलीव नहीं कर सकती। ओपोनोपोनो के लिए फिर अदर टूल्स सर ने जो दिए हैं वो आप बिलीव भी नहीं कर सकते, और मैं किसी को, कोई नहीं बोलेगा लेकिन मैं बोलूंगी, सर जो फीस लेते हैं ना वो मतलब नथिंग, कुछ फीस नहीं है ऐसा मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है ना, उससे पहले भी स्पेशलिटी से मैं आज 8 साल से जुड़ी हूँ, तो मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि फीस मतलब नथिंग नथिंग नथिंग, सर की कुछ फीस नहीं, वो मुझे लगता है कि सर जैसे फ्री में, मैं सर को भी सामने हूँ, सर आप जैसे फ्री में करवा रहे हो, प्राइम में भी इतनी कम, क्योंकि मैंने 8 साल से जुड़ी हूँ, अलग अलग मेंटर से सब सीखा है, लेकिन हो पोनो पोनो भगवान ने मेरे लिए चुना है, सर को मेरे लिए चुना है, और मैं तो सर को ऐसा भी बोलती हूँ कि सर ये मेरा पास्ट कर्म कुछ होगा, अच्छा कि आपके साथ जुड़ी हूँ, पास्ट कर्म के सिवा हम लोग किसी से कहीं भी जुड़ नहीं सकते, सर कलकत्ता से, मैं गुजरात से, वो मतलब अटैच होना, जॉइंट होना, मतलब ये यूनिवर्स का और सर का इंटेंशन वही है, हमारा ग्रुप भी में भी जो भी प्राइम हो या फिर जनरल ग्रुप हो, जो भी हो, वो सब पास्ट कर्म, और हम लोग पास्ट कर्म की वजह से वैसे सब जुड़े हुए हैं, किसी को कुछ भी चैलेंजेस छोटा बड़ा हो तो एक हमारा पास्ट कर्म है कि सर के साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारी लाइफ चेंज होती जा रही है, चेंज होती, वो उसको कभी मतलब हम लोग स्टॉप नहीं करने वाले, और दूसरों को भी हम लोग हेल्प करेंगे, बहुत सारे लोगों को हम लोग हीलर करेंगे, मतलब हमारा इंट्यूशन ऐसा ही है कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। थैंक यू सर, और आपने समय दिया। हाँ सर, मुझे बहुत खुशी है आपके एक एक वर्ड्स के लिए, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि मैं आप सबके लिए बहुत आभार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना। ये देखिए, ये चीजें हमारी फ्रिक्वेंसी से मिलती है, जिनका फ्रिक्वेंसी जिनके साथ मैच करता है वो वहीं चले जाते हैं। देखिए, आप मेंटर किसी को भी माने, जरूरी नहीं है, मैंने कल ऑडियो में भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही माने, नो, लेकिन एक बात है दोस्तों कि अपने लिए एक मेंटर जरूर चुन लीजिए। राइट, आप जिम में जाते हो, अपने लिए एक जिम में एक कोच ले लेते हो। राइट, आप योगा जाते हो तो योगा में अपने लिए एक कोच पकड़ते हो। आप अगर सपोज करो आप डांस सीख रहे हो तो वहाँ आपका एक गाइड रहते हैं, है ना। आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, वहाँ भी आपका एक गाइड रहते हैं। आप साइकिल सीखना चाहते हो, वहाँ पर भी आपके बड़े भाई या आपके पापा या कोई भी आपको सिखाते हैं। यानी लाइफ के कोई भी स्टेप में, कोई भी जर्नी में, कोई भी पोजिशन में आप क्यों ना हो, लेकिन आपको एक ऐसा कोच की जरूरत हमेशा पड़ती है दोस्तों, जो आपको जब आप अनबैलेंस्ड हो जाओ, जब आप जिंदगी में लड़खड़ा जाओ, तो वो आपका हाथ पकड़ सके, वो आपको सहारा दे सके, सपोर्ट फिजिकली अगर पॉसिबल नहीं भी हो तो एटलीस्ट मेंटली वो आपको सपोर्ट दे सके, ये कह सके कि डोंट वरी, हम हैं आपके लिए। राइट, तो सभी को ये रिक्वेस्ट कहेंगे दोस्तों कि सभी अपने लिए एक मेंटर चुने, जिनके साथ आपका कनेक्शन बैठता है ना, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, जिनके बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो।
राइट, उनके साथ उनको आप अपना मेंटर माने। और देखिए आज एक बहुत बड़ी बात आप सभी को बता रहे हैं, हमारे निमिषा जी भी हैं जाएंगे, हमारे रेणुका जी, रेशमी जी सब हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा अगर आप लोगों को एक तगड़ा चीज थोड़ा सा दे देंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले आएंगे फीडबैक पे और कुछ और चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। सेशन में बहुत चीजें हैं दोस्तों देने के लिए, सो तो आप सबके पेशेंस के लिए धन्यवाद, आप लोग पेशेंस जो रखे हैं इसके लिए। एक बात आप लोगों को बताएं दोस्तों कि आज से अपने लिए ना एक मेंटर को चुने, पहली बात हम बता रहे हैं। और दूसरी बात, एक को चुनने के वजह से हमारी शादी होती है एक के साथ। कितने के साथ होती है शादी हमारी दोस्तों? एक ना दस के साथ, राइट। अगर आप आज एक के साथ शादी करेंगे, उसके बाद ही दूसरे दिन से किसी और के साथ फ्लर्ट करने लगेंगे, आपका रिश्ता बचेगा, लाइफ मैरिज लाइफ आपका सेफ रहेगा दोस्तों। इसी तरह से हमारा लाइफ भी है। आज हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो जा रहे पता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में क्यों चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग स्टेबल नहीं हो पा रहे। हमारे लिए कोई फिक्स एक मेंटर नहीं है। आज हम इन्हें देख रहे हैं, कल हम उन्हें देख रहे हैं, कल हम तीसरे दिन तीसरे को देख रहे हैं, चौथे दिन किसी और के कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं, पांचवा दिन किसी और को पैसा दे रहे हैं। मतलब जहां जैसे मौके आ रहे हैं हम लोग वहां चले जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप खुद को इतना ज्यादा डाइवर्सिटी में फंसा कर खुद को इतना ज्यादा बेचैन कर दे रहे हैं ना आप। यही अगर इसके दौरान अगर आप किसी से ठगे गए, कोई आपका पैसा ठग लिया या किसी ने आपको अगर हर्ट कर दिया, और आप किसी से अगर हर्ट हो गए, तो क्या होगा? आपका मन में ये बैठ जाएगा कि इन लोग होते ही ऐसे ही, इन लोग सब ऐसे होते हैं। और फिर वही नेगेटिविटी हम क्या करेंगे, सबको देते फिरेंगे कि इस तरह के लोगों के पास मत जाओ, राइट। लेकिन हम लोगों ने गलती कौन किया था? उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, मैं उनके पास गया, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने मेंबर हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जितने यूट्यूब में देख रहे हैं, सभी को बोल रहे हैं अपने लिए एक कोच चुनिए, अपने लिए एक मेंटर चुनिए, अपने लिए एक, जैसे आप लोग स्कूल में जब थे, कॉलेज में जाते थे, अपने लिए एक प्राइवेट ट्यूटर ढूंढे थे कि नहीं ढूंढे थे? कौन ऐसे बंदे हैं जो बिगर ट्यूटर की एग्जाम पास कर लिए, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लिए? कोई भी ऐसा है? नहीं है। सभी ने अपने अपने लिए ट्यूटर रखा था, उनके साथ कैसा कनेक्शन हो गया था, है ना, तभी हम लोग अच्छे तरह से सक्सेस वे से हम लोग पास कर पाए थे, निकल पाए थे एकेडमिक ईयर क्लियर कर पाए थे। आपका लाइफ का ये चल रहा है एकेडमिक ईयर, अब आप अपने एकेडमिक ईयर से निकल के अपने लाइफ के एकेडमिक ईयर में एंटर कर चुके हो, और अब आपको चाहिए एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा कोच जो आपको आपके लाइफ के एंड तक, यानी लाइफ पूरे होल लाइफ आपको सपोर्ट दे सके, है ना। तो इसके लिए आपको एक ऐसा मेंटल कोच का, ऐसा एक मेंटल सपोर्ट देने वाला लाइफ कोच चाहिए, एक ऐसा मेंटर चाहिए जो आपको आपकी परिस्थिति जब बिगड़ जाए उस परिस्थिति से आपको ओवरकम करके निकाल कर ले आता है, राइट। तो सभी अपने अपने आप से आज ये खुद से ये प्रॉमिस करेंगे कि हाँ अपने लिए हम अपना बेस्ट मेंटर ढूंढेंगे। सभी हैंड रेस करें, यस, थैंक यू सो मच रेशमी मैम। सभी अपने अपने लिए हैंड रेस करें और कहें कि यस, हम अपने लिए एक मेंटर चुनेंगे और सिर्फ उन्हीं के चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे, उन्हीं के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। चुनना आपके ऊपर है, कोई भी मेंटर आके आपको नहीं कहेगा मुझे चुन लो, नहीं। जो असल मेंटर होते हैं वो कभी नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि जो असल गुरु होंगे वो कभी नहीं बोलेंगे मेरा 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 दीक्षा ले लो, मेरे पास आ जाओ, मेरे आश्रम में आ जाओ, नहीं। आप खुद ब खुद खींचे चले जाओगे उसके पास, उनका फ्रिक्वेंसी आपको अपनी तरफ ठीक अट्रैक्ट कर लेगा। आप नहीं जानते हुए फिर भी आप उनके पास पहुंच जाओगे, कैसे कैसे करके आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। अगर आप कनेक्ट हो चुके हैं ऐसे मेंटर के साथ, ऐसे गुरु के साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, उनके साथ कनेक्ट रहें, उनके साथ कनेक्ट रहें, उनके साथ कनेक्ट रहें। कभी भी लाइफ में आप भटकोगे नहीं, कभी भी लाइफ में आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट था आप लोगों से, आई बिलीव आप लोग इसे फॉलो करेंगे, ये आप लोगों के अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और एक बात आप लोगों को बताते चलें, जिनको आपने अपना मेंटर माना, चुन लिया, अब उन्हीं के साथ ही आपका आगे का, उन्हीं को अपना सबमिशन करना शुरू करें, उनको सबमिट करें खुद को। क्योंकि जब तक हम लोग खुद को सबमिट नहीं करेंगे ना अपने गुरु के पास, अपने मेंटर के पास, हम लोग वो चीजें अचीव नहीं कर सकते जो हमको चाहिए एक्चुअली, राइट। क्योंकि हमारे अंदर एक अहम होता है, हम लोग खुद में ही खुद व्यस्त रहते हैं, और हमारा अहम जो है, जैसे अभी आकांक्षा ही कह रही थी कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये घमंड कब टूटता है पता है? जब हमें एक गुरु मिलता है, हमारे गुरु ही होते हैं, हमारे मेंटर ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हम कहाँ अभी हैं और कहाँ जाना चाहिए, राइट। तो अगर डाउन टू अर्थ एक हम्बल लाइफ जीना चाहते हैं, एक फुल और पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है
सभी अपने अपने लिए एक मेंटर चुने और उस मेंटर के बताए गए तरीके को फॉलो करें, ठीक है, जिनके अंदर आपको कैपेबिलिटी देखती है, कैपेसिटी देखती है, जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, उनके साथ जुड़ जाएं, कहीं भी जुड़ें लेकिन जुड़ जाएं। और जिनके साथ आपने जुड़े, इसको इस तरह से सोचिए जैसे आप एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं, एक शादी के रिश्ते में हो, एक बंधन में हो, इस तरह से अपने मेंटर से आप जब जुड़ गए तो उनके साथ जुड़े रहें, आप देखोगे ईश्वर की सारी चीजें उनके माध्यम से आपके पास पहुंचेगी, राइट। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। अब आप लोगों को मैं एक रेमेडी देना चाहूंगा जो मैं आप लोगों को वादा किया था मैंने पहले में ही, ठीक है। तो ये रेमेडी जो है ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जितने लोगों का मनी स्टक होकर, ठीक है, जितने लोगों का मनी स्टक होकर है या जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बहुत पावरफुल रेमेडी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इस रेमेडी को देने से पहले हम अपना रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा क्योंकि पेड रेमेडी है, ओके। ये हम लोग पेड कोर्सेज में प्रोवाइड करवाते हैं। जस्ट यस, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन गीता मैम आपके इस अचीवमेंट के लिए, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो गीता मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये अचीवमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या फीडबैक है और इसको आप आगे कैसे इसका प्रयोग करना चाहती हैं। ओके सर, मैंने तो आपसे जुड़ने के लिए बहुत वीडियोस देखा था, बहुत ये किया था। एक दिन मेरी बेटी से मैंने ऐश्वर्य ऐसा ही ये किया कि मैंने इनसे जुड़ना चाहती हूँ करके, मेरी बेटी ने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज करके आपसे जुड़वाया। फिर मैंने होमोपोनो प्रेयर आपसे सीखने शुरू किया, मेरे को दिल बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत घबराहट होती थी, बहुत डर लगता था, हमेशा डरते रहती थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं 6 महीना मुझे कैसा खत्म हुआ मुझे खुद को ही पता नहीं चला। मैंने अपने रिलेशन में हमारे जीजा जी को बहुत तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उनका नाम उनका फोटो लेकर के उनका हील किया, वो ठीक हो गया। और मेरी बेटी को जॉब के लिए चाहिए था, मेरी बेटी को मैंने बोला, वो करी, वो करने के बाद 1 मंथ के अंदर उसको जॉब मिल गया, वो बहुत खुश हुई। और हमारे घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो रिलेशन में तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चलते रहती है, उसको कोई ये नहीं, उसको तो इग्नोर करना ही पड़ेगा क्योंकि रिलेशन रहने के बाद में चलते रहता है, उसे कोई नहीं, हम करते रहना चाहिए बस, वो तो भगवान अपने आप क्लियर कर देता है। और ऊपर से ये है कि मैं शाहरुख सर से मिलाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शाहरुख सर किसी की वजह से मेरे बेंगलोर में आकर के मुझे यहाँ तक आकर के मिल के गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनसे बहुत याद करते हैं, हमारे पूरे फैमिली उनको, उनके बच्चों को, उनकी बीबी को बहुत याद करते हैं, सब लोग हमेशा पूछते रहते हैं उनकी बेटी के बारे में। मुझे ये होमोपोनो प्रेयर जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत लोग मेरे साथ हैं। मैं पहले अकेले रहती थी ना घर में, बहुत अफसोस होता था मेरे को कि मुझे बहुत बोरिंग होता है, मुझे ये नहीं, अभी मैं अपने आप काम करती हूँ, जब भी टाइम मिलता है प्रेयर करते रहती हूँ, कभी टीवी देखते रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। पहले मेरे को बहुत बोरिंग लगता था, इतनी जिंदगी क्या करके लगता था। फिर जब से मैंने शाहरुख सर से जुड़ा, उनसे 6 महीना कोर्स किया, अभी मेरे बच्चे पूछते हैं सर ये नहीं कर रहे क्या, क्लास करके पूछते हैं, रोज पूछते हैं मेरे बच्चे मुझे, खुद मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं। परसों मैंने क्लास है और एक दिन में नहीं ठीक है ज्वाइन कर ले शाहरुख सर से, कोई बात नहीं, खुद ही बोलने लग गए बच्चे पति सब भी, बहुत याद करते सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, पता नहीं भगवान ने आपसे हमको जुड़ाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आपका आपका प्रेजेंस हमारे लिए, ब्लेसिंग से आप सबका प्रेजेंस हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच गीता मैम। और बस आपसे इतना जानना चाहेंगे कि इस होमोपोनो को आप किस तरह से आगे प्रयोग करना चाहती है। सर मैं जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको हील करूंगी, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी सर। आज तक मैंने ऐसा काम किया नहीं, देखेंगे डिवाइन कहां तक लेके जाते, मैं जरूर करूंगी सर, मेरे जितना बन सके मैं उतना करूंगी मदद। आप लोगों को बताते चले, बहुत एक सेशन में मैंने बताया था कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जब मेडिटेशन करते हैं तो इतने ध्यान में चले जाते हैं कि उनको समय का पता नहीं रहता है। आज आप सबके सामने गीता जी को आप देख पा रहे हैं, गीता जी भी एक ऐसा मेंबर है हमारे, जब वो मेडिटेशन में बैठती है तो समय का पता नहीं चलता है, और बहुत अच्छे एक मेडिटेटर है, वो बहुत अच्छे एक मेडिटेटर है। और जैसा जितना अच्छा उनका वो एक मेडिटेटर है उतना अच्छा एक मम्मा भी है, उतना अच्छा एक सोल भी है, और उतने ही अच्छे एक वाइफ भी है। और सच में वो एक बहुत ही अच्छे मेंबर है हम सब के लिए, और हम सब के साथ वो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। और सच में जब हम लोग बैंगलोर गए थे लास्ट टाइम तो गीता जी ने हम लोगों को
इस तरह से अपना सपोर्ट दिखाया, इस तरह से अपना केयरिंग दिखाया कि कोई अपना भी इतना नहीं करेंगे जितना हम लोगों को गीता जी की तरफ से सपोर्ट मिला। सो आई रियली ट्रूली ग्रेटफुल टू आवर गीता मैम कि सच में ऐसे लोग ईश्वर सभी के जिंदगी में भेजें ताकि सभी का जिंदगी आसान हो जाए। थैंक यू सो मच गीता मैम आप सबके इस आपके इस प्यारे भरे काइंड वर्ड्स एंड फीडबैक्स के लिए। आई रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, खास करके कृष्णा सर, एस, श्वेता, ईच एंड एवरीवन। वी आर ऑल लव यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब हम लोग आएंगे हमारी हेतल जी की तरफ। ओके, हेतल जी हमारे वो मेंबर हैं जो बहुत बड़े एक साई भक्त हैं, साई डिवोटी आप कह सकते हैं साई बाबा के, और उनके चेहरे को देखने से ही आपको साई बाबा याद आएंगे ऐसा मुझे लगता है। आप में से कितने लोगों को लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनके चेहरे में ये चीजें देखता हूँ, जब उनको देखता हूँ ऑटोमेटिक साई बाबा मुझे याद आने लग जाते हैं। तो ऐसे पर्सन हैं हमारे हेतल जी। तो आई रियली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हेतल जी एंड शेयर योर अचीवमेंट विद ऑल ऑफ अस एंड से समथिंग। Om Sai Ram sir, aloha, hello everyone. Sir, सबसे पहले जो achievement है आपकी तरफ से वो मैं दिखाना चाहती हूँ। It's my certificate. Many congratulations. Many congratulations. Now you are a Ho'oponopono practitioner. Yes. Yes sir. Thank you so much. And that's because of you sir. आप ही ने guidance दिया हमें Ho'oponopono कैसे करना है, किस तरह से उसको implement में लाना है, वो सब आपसे सीखा। So thank you so much sir. Thank you. जैसे मैं एक एग्जाम्पल, मेरा थोड़ा ये हैबिट है कि मैं कोई चीज ना एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा मेथड है, मैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेती हूँ अगर कोई एग्जाम्पल से समझाए ना तो वो मेरा अभी यूज टू हो चुकी हूँ कि मैं भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करती हूँ अगर कोई चीज मुझे बतानी होती है। ओके, सो एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आपके घर के बाहर एक पेड़ लगा है और पेड़ के जो फ्रूट्स हैं, मान लीजिए आम का पेड़ लगा है और आम के पेड़ के ऊपर जो आम लगते हैं उसमें प्रॉपर आम नहीं आ रहे, तो ज्यादातर हमारा फोकस कहाँ रहता है, जो आम होते हैं ना उसके ऊपर हमारा फोकस जाता है, राइट। कोई भी इंसान है पहले यही दिखता है कि ऊपर फ्रूट अच्छे नहीं आ रहे। ऊपर फ्रूट इसलिए नहीं अच्छे रहेगा क्योंकि उसके रूट में प्रॉब्लम है, रूट कोज हमें फाइंड आउट करना रहता है। और जब हम उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर देते हैं या फिर उस पर कुछ भी करते हैं, क्योंकि हम रीच नहीं कर पाएंगे, फ्रूट तक नहीं जा पाएंगे, वो पेड़ कितना बड़ा होता है, तो फ्रूट को जाके वहां पे उसको इंजेक्शन देना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो हमें क्या करना चाहिए कि वो पेड़ का जो रूट है उसमें अगर हम अच्छे से फर्टिलाइजर डालेंगे या फिर पानी डालेंगे या फिर जो भी प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो उनसे पूछेंगे, जो गार्डनर जो होते हैं उनसे पूछेंगे, तो वो डेफिनेटली हमें गाइड करेंगे और उसके हिसाब से जो भी हम उसमें डालेंगे और अल्टीमेटली हमारे जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो Ho'oponopono प्रैक्टिस में मैं इन दोनों को अब कंबाइन करती हूँ, ये एग्जांपल को और ये प्रैक्टिस को। जैसे जो हमारी लाइफ जो है वो ये ट्री जैसा है, ट्री है, ट्री रिजेंबल करती है हमारी लाइफ को, और जो चैलेंजेस हैं वो पर्टिकुलर जो फ्रूट्स हैं जो अच्छे नहीं लगे या फिर जिसमें हमें चैलेंजेस दिखते हैं, तो वो जैसे लाइफ के जो भी एरियाज हमें दिखते हैं वो है। हम क्या करते हैं उस एक चीज को पकड़ के बैठते हैं कि अच्छा मेरा मनी में इश्यू है या फिर मेरा रिलेशनशिप किसी से अच्छे नहीं है या फिर यू नो एजुकेशन में ठीक नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा या जो भी इश्यूज हैं जो डे टू डे लाइफ में लोग फेस करते हैं, तो हम उस पर फोकस करते हैं, हम उसके रूट कोज पे नहीं जाते। ठीक है, एक बार आप ये डिसाइड कर लो कि हमें रूट कोज पे उसको ट्रीट करना है, और फिर जैसे मैंने बताया कि रूट कोज पे आप आ जाते हो, उसके बाद अब उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें जैसे गार्डनर के पास जाना पड़ता है, तो वैसे वो जो गार्डनर है जिनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है या फिर जिन्होंने इसके बारे में डीप स्टडी किया हुआ है, तो वो जो होते हैं वो हमारे लाइफ के जो मेंटर होते हैं वो होते हैं। तो Ho'oponopono प्रैक्टिशनर में मेरे लिए वो मेंटर शाहरुख सर बने, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रेयर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ये सिखाया। अब सेकंड टॉपिक जो मैं चाहती हूँ डिस्कस करना वो है कई सारे क्वेश्चंस जैसे होते हैं लोगों के, इंटेंशन सेट करके करना चाहिए या नॉर्मली करना चाहिए, तो उसको लेके। सो एक सर मैं हिंदुइज्म को बिलीव करती हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कोई भी पूजा होती है, जैसे मान लीजिए सत्यनारायण पूजा होती है जो वेरी कॉमन पूजा होती है, लगभग हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी की ही होती है, राइट। तो जैसे सत्यनारायण पूजा में क्या होता है या कोई भी पूजा में ऐसे ये रिचुअल फॉलो किया जाता है कि जब पूजा करते हैं ना तो पंडित जी होते हैं वो हमें सबसे पहले संकल्प दिलवाते हैं, तो वो संकल्प क्या है, दैट्स कॉल्ड अ पावरफुल थॉट, है ना, इंटेंशन जिसको बोलते हैं।
तो वो दिलाते हैं, और जब अपनी पूरी पूजा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो हमें क्षमापन प्रेयर करवाते हैं, क्षमापन करवाते हैं। तो क्षमापन क्या है? फॉरगिवनेस। ओके, तो ये दोनों चीजें हैं जो ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे कल्चर में है, हिंदुस्तान में है, और ये जैसे वो संस्कृत में होती है तो उसको करना नॉर्मल पब्लिक के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका नया वर्जन है, या फिर वो उसका रीइंकारनेशन समझ लीजिए, ये होपोनोपोनो प्रेयर है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, मुझे इस तरह से लगता है। हम इंटेंशन देते हैं, इंटेंशन देके हम जब पूजा करते हैं तो हमारा माइंड बॉडी सोल तीनों तीनों चीज वो पूजा में यू नो एंगेज होता है, और फिर कंप्लीट पूजा हो जाने के बाद हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी अगर भूल हुई है इस पूजा के दौरान तो आप भगवान जी हमें इसके लिए क्षमा कीजिए। तो जो फॉरगिवनेस आती है ना, तो डिवाइन है, भगवान जी है, बाबा है, जो भी है, ईश्वर तो हमेशा बच्चों को माफी कर देते हैं। तो ये हो बोनो बोनो प्रेयर से, और इसकी जो इम्पैक्ट आती है जब गलती होती है ना, अपन रेगुलर अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि घर में अगर छोटा बच्चा है और वो मान लीजिए कुछ गलती उसने कर दी, और हमारा कोई वेरी वेरी एक्सपेंसिव आर्टिकल मान लीजिए उसने नॉन इंटेंशनली मान लीजिए तोड़ भी दिया, तो अगर वो बच्चा आके सॉरी बोलता है ना, तो उसका चेहरा देख के हम वो भूल जाते हैं, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो, है ना। वो बच्चे की जो जो इनोसेंटनेस है ना, यस, उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे लिए भी ऐसे ही, हम सब जो भी है दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी डिवाइन के, ईश्वर के, परमात्मा के बच्चे ही हैं। तो जब हम दिल से ईश्वर को किसी हमारे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या फिर किसी चीज के लिए जब भगवान के सामने जाके सॉरी बोलते हैं, तो डेफिनेटली भगवान हमें उसके लिए माफ कर देते हैं, और लाइफ के जो चैलेंज है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ऐसे कोई ना कोई गार्डनर या मेंटर के पास हमें पहुंचा देते हैं। तो वो मेंटर मेरी लाइफ में तो शाहरुख सर बने, और उनके थ्रू मैंने वो गुणों गुणों सीखा और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। और मैं भी डेली जैसे बोलते हैं, मैं दिन में 4 बार करती हूँ सर होपोनोपोनो प्रेयर जी। तो उस हिसाब से अपनी अपना जो मॉर्निंग में, फिर दोपहर को 12 बजे शाम, मतलब बाबा की जो 4 आरती होती है ना, उस टाइम पे मैं करती हूँ, बस आप ऐसा समझ लीजिए। तो ये मेरा ये है, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं सर से प्लीज जुड़िए, आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे हम स्कूल में भी होते हैं ना, हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होती है, उससे उस सब्जेक्ट में आपकी कमांड होती है। जैसे होपोनोपोनो प्रेयर में भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं, हर हर चीज अलग अलग है, तो आपको फिर डिसाइड करना रहेगा कि आपको कौन से किस टॉपिक के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी रहती है, फिर किस पे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते। तो वो सारी चीजें, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर के 4 फ्रेजेस तो आप इंटरनेट से कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन उसके डेप्थ में जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं अच्छे सेशन में करना या फिर अच्छे मेंटर से सीखना ही पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि हमारे लिए शाहरुख सर है, और उन्होंने काफी अच्छे डेप्थ में और काफी अच्छे से सब सिखाया, और वो उसका मैंने दूसरे लोगों के ऊपर भी जब उसका एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि शुरुआत में तो सर हर बंदा, जैसे हर इंसान अलग होता है, वैसे उसके चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं। जब फर्स्ट सेकेंड ट्राई जब करे थे तब तो ऐसे एक्सपेरिमेंट लेवल पे किए थे अपने हिसाब से, मान लीजिए वो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को देती हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या सामने वाले बंदे, ठीक है। तो और सर का हमेशा ये है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आप वो स्टडी अच्छे से करो और उसको अपने हिसाब से सामने आपके जो क्लाइंट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपको पता चले कि आपको उसका रिजल्ट कैसा मिल रहा है, या फिर आपको आपके क्लाइंट को उसका रिजल्ट। तो सर थैंक यू सो मच, वो फ्रीडम भी होती है, अदरवाइज कुछ मेंटर्स का तो ऐसा है कि हम जो कहते हैं वही करना पड़ता है, सॉरी, लेकिन सर का ये है कि आप अपना इंट्यूशन यूज करो, अपने हिसाब से करो कि आपको क्या लगता है कि इन इन इस क्लाइंट पे या फिर ये बंदे के ऊपर पर्टिकुलर किस तरह से करेंगे और इनको अच्छा रिजल्ट मिले। तो इनफैक्ट मैंने तो एक एनिमल पे भी ट्राई किया और मुझे उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले सर। ये वो अभी कैस्पर जो है ना, वो कम्प्लीटली हील हो चुका है सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। सो मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और आपके लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा सहायता दिया होगा, राइट जी। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम। अब हम थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स, मोर पावर टू यू गीता मैम ऑल्सो, एंड ऑल ऑफ यू गाइस जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आ रहे हैं हमारे निमिषा जी की तरफ। हमारे निमिषा जी भी वही मेंबर हैं जो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, लास्ट 6 to 8 months से ज्यादा हो चुका है, और उनकी बातों से आप समझ सकते हैं वो अपने आप में कितना एक सुलझा हुआ इंसान है, और बहुत काइंड हार्टेड एक पर्सन है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड रियली बेस्ट फॉर हर कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम ग्रेटिट्यूड हिंदी को चुने हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन जितने भी मेंबर प्राइम मेंबर में जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे साथ आज आप लोग हैं, सभी से मैं फिर से एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं, लेकिन फिर भी क्यों हम लोग यहाँ हैं, इसका रीजन है
इसके पीछे ईश्वर की मर्जी है, राइट। हम लोग हर किसी के लिए हर इंसान नहीं बना है ना, हर इंसान हर किसी के लिए नहीं बना है और हर इंसान के लिए हर कुछ नहीं बना है, ये बात याद रखें। तो हम लोग वहीं रहते हैं जहां हमें रहना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे निमिषा जी भी एक ऐसे मेंबर हैं जो हमारे साथ बहुत महीने से जुड़े हुए हैं, और मैं सुनना चाहूंगा उनके तरफ से उनका फीडबैक कि क्या कहती है हमारी निमिषा जी। नमस्ते, अलोहा, अपने आप को अनम्यूट करें जी। सर आवाज आ रही है जी? जी सर, सबसे पहले तो ये दिखाऊंगी। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सभी कांग्रेचुलेशन कहें, आप लोग म्यूट में रह के अपना अपना ब्लेसिंग दें मिशा जी को। यस, थैंक यू जी। सर मैं आपसे नवंबर से जुड़ी हूँ जी। मैम नवंबर से जुड़ी हुई हूँ, और जब आपकी प्राइम क्लासेस शुरू हुई थी तो मैंने भी ज्वाइन करा था। तब मुझे लग रहा था मैं एक महीने करूंगी जी। देखती हूँ, सीखती हूँ क्या होता है, करते करते फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे करते करते आज तक मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। वो कोनो कोनो वीडियो तो बहुत देखे थे जी, वो चार फ्रेजेस हैं, लेकिन उसकी जो डीप नॉलेज, उसके पीछे कितना डीप नॉलेज है, वो सर आपसे ही सीखने को मिली। जो हमारी प्राइम क्लासेस होती थी उसमें आप हमें सब बताते थे, तो वो नॉलेज तो कहीं थी नहीं। वो तो चार फ्रेजेस का भी इतना डीप मतलब है, वो आपसे सीखा था। और नो डाउट ये प्रेयर बहुत हेल्प करती है लाइफ में जी। और सर आपका भी इतना अच्छा रहता है कि आपसे तो मैंने दो तीन बार बात करी है, और आपने बिजी होने के बाद भी बहुत अच्छे से मुझसे बात करी है फोन पे। मतलब कोई भी डाउट हो तो जैसे मेंटर्स होते हैं या टीचर होते हैं तो थोड़ा सा झिझक लगती है, या केवल क्लास में ही हम पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपसे मैंने जब भी मैसेज करके पूछा तो आपने तुरंत मुझे उसका रिप्लाई दिया कि मैं कॉल कर सकती हूँ। सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है जी। जी, और मुझे उम्मीद है कि ये सर्टिफिकेट आपके लिए एक और नया पायदान बनाएगा आपकी लाइफ के, और नए बुलंदियों को लेके जाने में आपके लिए बहुत बड़ा शुरुआत होगा, राइट। और आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, और हम लोग ये मौका आप लोगों के लिए दे रहे हैं ओपन प्लेटफॉर्म में, आप लोगों के साथ कह रहे हैं दोस्तों कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोग ऑलरेडी ओपन कोर्स को पूरा किए हैं, हमारे तरफ से उन लोगों का लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि उन लोग चाहें तो जीआईएस के साथ साथ मिलकर एज अ ओपन मेंटर बाकी जितने नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जितने नए मेंबर्स आने वाले हैं, और जो नया कोर्सेस आने वाला है ओपन पर, दोस्तों आप लोगों ने अभी तक जो ओपन को सुना है वो ओनली 10% सुना है। 90% चीजें अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई टच करने वाला तक नहीं है। ऐसे ऐसे चीजें हैं। आज आप लोग का एक बात छोटा सा बता दें कि ho'oponopono में 20+ से भी ज्यादा ऐसे मेडिटेशंस हैं, नॉट टूल्स। आप लोगों ने 21 टूल्स के बारे में सुना है ho'oponopono में, एडवांस टूल्स, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हमारे मेंबर्स जानते हैं, प्राइम मेंबर्स, हमारे बेसिक मेंबर्स भी जानते हैं, जनरल ग्रुप के मेंबर्स भी जानते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मेडिटेशंस हैं दोस्तों ho'oponopono के अंदर कि जो आपके माइंड को ब्लो कर देगा, और उसका प्रैक्टिस में से कोई भी एक मेडिटेशन को अगर आप पकड़ लो तो आपका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ऐसे मेडिटेशंस हैं, और ऐसे ऐसे चीजें हैं जो कमिंग डेज में लॉन्च होने चला है। कमिंग डेज में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करने चले हैं ho'oponopono के अलग अलग सेगमेंट को, अलग अलग मोडालिटी को लेके। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं, हमारे जो 6 मंथ जिन्होंने अपने समय दिया है, कल चल के आप लोग देखेंगे कि यही वो लोग होंगे जिन लोग ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से एज अ ho'oponopono मेंटर, नए जो कमर्स होंगे, नए जो मेंबर्स होंगे, उन लोगों को यही लोग सिखा रहे होंगे, टीचिंग दे रहे होंगे, समझा रहे होंगे, और अपना लर्निंग से उन लोगों के लाइफ को भी रोशन कर रहे होंगे। तो ये ग्रेटिट्यूड हिंदी ओपन प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सबके पास भी ऐसे मौके हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी। अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड हिंदी का डोर आप लोगों के लिए ओपन है। हमारे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ रहेंगे जिसमें आप लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा ताकि आप लोग परमानेंटली हमारे साथ जुड़कर इस काम में
आगे बढ़ सके। और हमारा जो टारगेट है, सबसे पहला टारगेट जो है 1000 होपोनोपोनो हीलर बनाना, उस टारगेट को अचीव करने में अगर आप लोग हमारा साथ दें, आप लोग का आशीर्वाद अगर हमारे साथ बना रहे, तो हम लोग जरूर इस अचीवमेंट को पूरा करेंगे और आप लोगों के माध्यम से ये पूरा होगा और आगे बहुत सारी चीजें हम लोग को करनी है। सो थैंक यू सो मच निमिषा जी। आपसे बस एक ही बात कहेंगे कि ऐसे कौन सा चीज था जो आपको हम लोगों के साथ ग्रेटिट्यूड इन हिंदी के साथ इतने मेनू से जोड़ा रखा, कौन ऐसा चीज, एक वर्ड में हम जस्ट सुनना चाहेंगे, ऐसा क्या चीज था जो आपको जोड़े रखा और आपके अंदर कभी भी वो चीज नहीं आई कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपके अंदर कभी नहीं आया जो मैक्सिमम मेंबर्स के अंदर हमने देखा था। जी जी सर, एक तो होपोनोपोनो ने जोड़ा है सबको एक फैमिली की तरह, और सर मेडिटेशन सीखा मैंने इसमें। मैं मेडिटेशन कभी भी कर नहीं पा रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था, मतलब मैं बहुत चाहती थी, मुझसे होता नहीं था, मैं समझ नहीं आता था कि किस तरह से करना, वो चीज सीखी थी। और हमें याद है कि हम लोग अपने प्राइम क्लासेस में आधे आधे घंटे 40-40 मिनट तक मेडिटेशन में कैसे बैठ जाते थे, राइट, वही बात। चक्रा हीलिंग सर, चक्रा हीलिंग उसकी मेरी बहुत इच्छा थी, वो बस आपके थ्रू ही सीखा जी। चक्रा हीलिंग के बारे में भी होपोनोपोनो में सिखाया जाता है दोस्तों। चक्रा हीलिंग अगर आप लोग सीख लेना तो आप लोग के लाइफ के ऐसे ही चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे, हम बता भी नहीं सकते, राइट। सो थैंक यू सो मच निमिषा मैम, और कुछ कहना चाहेंगे, और कोई फीडबैक अपने हमारे तरफ से? थैंक यू सो मच मैम। अब हम आते हैं हमारी मनीषा जी की तरफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मोर पावर टू यू, मोर पावर टू यू। मनीषा जी अपने आप को अनम्यूट करें, एक सेकंड देंगे मुझे। जी अलोहा सर। अलोहा मैम, कैसे हैं आप? और बढ़िया सर। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो थैंक यू सो मच। यस जी, तो मनीषा जी आप क्या कहना चाहेंगे, आपका फीडबैक क्या है हम लोगों के लिए? जी जी ये इसका सारा क्रेडिट तो सर आपको जाता है, मतलब सब कुछ सारा जहाँ तक मतलब जर्नी की बात है, दिस वाज अ वंडरफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब सारे ही जितने मेंबर्स थे सब की, मतलब उनकी तरफ से भी जो नहीं भी ज्वाइन कर पाए उनकी तरफ से भी मैं बोलती कि बहुत ही वंडरफुल जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, और हमने इतना कुछ सीखा पर्सनली मैंने, मतलब चैलेंजेस तो दूर की बात है, मतलब क्योंकि वो पता है आएंगे जाएंगे, लेकिन उनको हैंडल कैसे करना है, वो जो मतलब आपसे सीखा किस तरीके से करना है, दैट वाज द मतलब मुझे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब 6 महीने पहले जैसे मैं थी, कितनी चीजों को मैंने बहुत ज्यादा सोचती थी, मतलब ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लाइक इतने क्वेश्चन थे कहीं मुझे आंसर नहीं मिलता था, लाइक मुझे लगता था कि हमारे साथ ही क्यों होता है, सब जो अच्छे होते हैं उनके साथ ही ऐसा होता है। इवन आई विल शेयर लाइक my father, he was very like bahut matlab ki he was a very renowned person aur bahut acha karte the hum sab ke sath, lekin kya tha ki like unke sath kuch aisa ho jata tha ki matlab unko matlab wo kisi ka matlab unko sab push baad mein matlab wo nahi karte the, jaise hota na ki aap kisi ke sath acha karo fir unke paas piche hote, to mujhe yehi question hamesha rehta tha bhagwan se bhi aur sab se ki aisa hamare sath hi kyu hota hai ki wo itna karte hain, and I was too क्यों आप अच्छा करते हो उस लाइफ में, मतलब सब सारे लोग आपके साथ खराब करते हैं ऐसे, बट ही उसको से नहीं बेटा अच्छा, मतलब सबके साथ हमें अच्छा ही करना है, बट मुझे वो कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तभी, बट आफ्टर ज्वाइनिंग यू लाइक सारे क्वेश्चन के आंसर इतने अच्छे से धीरे धीरे एवरीथिंग लाइक बहुत अच्छे से पता चला कि मतलब क्यों है, क्या है, किस वजह से है, एंड बहुत मतलब आपकी हर एक सेशन में लाइक आई विल टेल यू लाइक हर एक सेशन में इतने क्लियरली इतना डीपली समझाना, इवन ये भी नहीं देखना कि टाइम मतलब कितना टाइम है, फॉर 1 आवर क्लास है ना, हमारी क्लासेस 2-3 आवर्स तक चलती थी, एंड इतने अच्छे से समझाते पता ही नहीं चलता टाइम का लाइक कैसे चला गया, और हर एक क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होता था कि एक स्क्रिप्टेड है कि ये पढ़ाओ अच्छा ये हो गया ऐसा होता है ऐसा होता है, नो इट वॉज नॉट देयर, उसमें ये था कि कितनी चीजें मतलब इतना जो मतलब लगता था कि ये मतलब सर आप खुद ही बोलते थे कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये चीज आप सबको शेयर कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो जो फीडबैक भी हम लोग देते थे दैट वाज जेन्युइन हमारे मन से होता था, कोई भी हर एक क्लास में, इवन हर एक क्लास में कुछ ना कुछ सीखा है, एंड इट वॉज अमेजिंग जर्नी, और ऐसे मेंटर तो हम सबको लाइक कहीं नहीं मिल सकते, तो
थैंक यू सो सो मच, एंड आप पर इतने अच्छे डीपली और इतना एनकरेज करते सबको कि नहीं ये भी करो वो भी करो, मतलब हमेशा हम लोगों को स्पेशली बोलते कि नहीं तुम लोग ये करो 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 करो, तो मतलब इतना गाइड करते कि मतलब हमें पीछा बोलते छोड़ नहीं करें नहीं करें, लेकिन इतना आप इनकरेज करते, लेकिन क्यों कौन करेगा लेंगे, बट सीरियसली सो थैंक यू सो मच, एंड मतलब थैंक्स भी इज लाइक अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर दिस, एंड थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो मच मैम, मोर एन अमेजिंग जर्नी, एंड मैं सभी से चाहती हूँ कि लाइक जो भी ये है ये दिल से चाहती हूँ जो भी ज्वाइन मतलब करेंगे और करना चाहेंगे कुछ भी कोई भी कोर्स या आपके साथ एसोसिएटेड होंगे दे लर्न सो मच, बहुत ज्यादा लर्न करेंगे, तो मतलब एगोई नहीं कि आप क्वेश्चन के आंसर ही मिलेंगे आपको, बट उससे बहुत चीजें ग्रो मतलब सीखने को मिलती है, हर चीज हर एक सेशन वॉज लाइक कुछ ना कुछ जरूर ये भी मिल रहा है वो भी अच्छा ये भी होता है ये भी होता है जो हमने सोचा नहीं था, लाइक सो अमेजिंग अमेजिंग सर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज हम सबको मतलब मौका दिया बोलने का, बोलने का तो बहुत ज्यादा है लेकिन, तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मोर पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके सो आज आप लोगों को बताते चले हमारे ऑलरेडी 14 मेंबर, 15 मेंबर से भी ज्यादा मेंबर ऐसे हैं, 15 मेंबर प्लस ऐसे मेंबर हैं जो होपोनोपोनो प्रैक्टिशनर कोर्स कंप्लीट किए हैं ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से, और उन लोगों को सर्टिफिकेट उन लोगों का उन्हें अचीव हो चुका है, उनमें से कुछ आप लोगों को आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर किया, कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी बेसिक कंप्लीट किया है, बेसिक वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आप लोग बेसिक कोर्स करने के बाद ही समझ चुके होंगे कि होपोनोपोनो अपने आप में कितना बड़ा समंदर है और आप लोग कहां अभी हम लोग किनारे पे खड़े हैं, है ना, तो कोर्सेस में डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों को वो चीजें बता दें, ठीक है, कि जितने लोग अभी भी वेट किए हुए हैं रेमेडीज के लिए सभी को रेमेडीज दिए जाएगी, अगर हम भूल भी जाएं तो उसके लिए डोंट वरी, लेकिन एक चीज और भी बताते चलें कि आप लोगों के साथ और भी बहुत सारी चीजें शेयर करना है, एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हमारे प्राइम मेंबर की तरफ से हमें रिसीव हुआ है, जिनका नाम है सुमोना चैटर्जी, राइट, वो हमारे वेस्ट बंगाल से ही है और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अगर कोई इंसान पेशेंस रखे, कोई इंसान अगर धैर्य रखे तो उनका असंभव से भी असंभव काम उनके लिए पूरा हो सकता है, तो ये हमारे वो मेंबर हैं जिन्होंने ठीक हमारे मनीषा जी हमारे निमिषा जी हमारे नीलिमा जी लोग की तरह ही आकांक्षा की तरह ही 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले हमारे साथ जुड़े थे, ईश्वर ने जोड़ा था आज तक जोड़े रखे हैं, और वो हमारे प्राइम सेशन को ज्वाइन करने का उनका सबसे बड़ा रीजन ये था कि उनके भैया का शादी नहीं हो रही थी और वो अपने भैया के शादी के लिए बहुत ज्यादा टेंस थे और हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि सर मेरा भैया का शादी हो जाएगा ना, मेरा भैया का शादी हो जाएगा ना, क्योंकि उनके भैया का शादी एक बार हो चुका था, होने के बाद टूट चुका था, जिसके सदमे से उनके भैया बाहर नहीं आ पा रहे थे, जिसके रीजन की वजह से वो बहुत हमेशा अकेला खुद को फील करते हैं और उनके लिए उनकी बहन बहुत ज्यादा टेंस रहती है, और वो इस सेशन को प्राइम सेशन को होपोनोपोनो सीखने के लिए नहीं खास करके इसलिए आए थे ताकि उनका भैया का सलूशन मिल जाए इस होपोनोपोनो से, इसलिए उन्होंने होपोनोपोनो सीखा था और उनको जो जो चीजें बताई गई वो चीजें फॉलो किए और फाइनली उनको 7-8 महीने के बाद, बहुत ऑनेस्टली कह रहे हैं, कोई फेक कोई डबिंग चीजें नहीं, हम हमेशा कभी शेयर नहीं करते, हमेशा जेन्युइनिटी को फॉलो करते हैं, ऑनेस्टी को हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, 8 महीने के बाद उनको उनका रिजल्ट मिला और वो रिजल्ट हमारे साथ वो शेयर करती है, चैट उनका स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, वो लिखती है बंगाली में लिखती है, मैं पढ़ के आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ उसको हिंदी को ट्रांसलेट करके, वो लिखती है कि आमी GIS ग्रुप प्राइम मेंबर, मैं GIS की प्राइम मेंबर हूँ, आमी सरेर साथे 7 मंथ जुक्तो, हम सर के साथ 7 मंथ से जुड़े हुए हैं, एखाने ऐसे आमी भीषण हैप्पी, इस सेशन में आके इस ग्रुप में आके मैं बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, खुद को बहुत खुशी हूँ, आमार अनेक चैलेंज छिलो तार मध्ये मेन छिलो भाईर बीए, मेरा लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी था मेरा भैया का शादी जो नहीं हो रहा था, जो सक्सेसफुली जेटा भाईर बीए सेटा सक्सेसफुली हुए छे लास्ट वीक, यानी ये सैटरडे को मैसेज रिसीव हुआ था, ने प्रीवियस सैटरडे उसका लास्ट वीक उनका भैया का शादी हुआ, वो लिखती है कि जेटा सक्सेसफुली
হয়েছে লাস্ট উইক এবং খুব ভালো হয়েছে, এটা আমি এর আমি আর আমার ফ্যামিলি খুব হ্যাপি। আমি মনে করি স্যার এই টিপস রেগুলারলি স্যারের টিপস রেগুলারলি হোপনোপোনো করলে সাকসেসফুল হবেই, আর সব সমস্যা সব সময় কানেক্টেড থেকে গাইড করে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়, স্যার খুব ভালোভাবে গাইড করে। ঠিক হ্যায় ইয়ে সারি চিজে ও বেঙ্গলি মে লিখতি হ্যায়, হিন্দি মে আপ লোগো কো বাতা দেতে হ্যায়। ও কেহতি হ্যায় কি জিস কাম কে লিয়ে ও ইতনে মেহনত সে জুড়ে হুয়ে থে ও ফাইনালি উনকা পুরা হোতা হ্যায়, উনকা ভাইয়া কা শাদি হোতা হ্যায়, ইসসে পেহলে ভি উনকে ভাইয়া কে লিয়ে এক রিশতা আতা হ্যায়, লেকিন মেরে ক্যুঁকি অ্যাজ পার নিউমোলজিস্ট মুঝে ইয়ে চিজে ভি হাম লোগ দেখতে হ্যায়, ইয়ে ভি হামারে মোডালিটিজ মে হ্যায়, কি উনকে ভাইয়া কা প্রেডিকশন মেনে দেখা থা আর দেখা থা কি ও লড়কি উনকে লিয়ে সহি নেই হোগি, তো মেনে মানা কিয়া থা আর মেরে এক বাত পে হি উনহোনে উস লড়কি কা রিশতা ক্যানসেল কর দিয়া থা, और मैंने वेट ये भी कहा था कि आप वेट कर जाएं इससे अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। और फाइनली वो वही होता है कि लास्ट इस फ्राइडे से दो फ्राइडे पहले उनका एक फ्राइडे पहले आई बिलीव उनका भैया का शादी हुआ, और जो लड़की उनको मिली है इतनी अच्छी लड़की मिली है कि उनकी मम्मा और घर के सारे लोग इतने खुश हैं और रोज मुझे फोन करते हैं और ये खुशी बार बार शेयर कर रहे हैं हमसे कि सच में सर बहुत अच्छा लड़की मिला है और बहुत अच्छा रिश्ता मिला है और हम लोग बहुत खुश हैं। यही पूरी सक्सेस स्टोरी इस स्क्रीनशॉट में आप लोगों के साथ मैंने बंगाली में लिखा है जो मैंने हिंदी में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये हमारे प्राइम मेंबर एक जिनका नाम सुगुना चटर्जी जो वेस्ट बंगाल से हैं, उनका बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। तो ये सोच के देखें दोस्तों, अगर वो एक महीना पहले जुड़ती और उनको रिजल्ट नहीं मिलता वो चले जाती, दो महीना वेट करती चले जाती, तीन महीना वेट करती वो चले जा सकती थी, लेकिन उन्होंने किस चीज में किस चीज कौन सा चीज उनको जोड़े रखा, क्या चीज उनको अटकाए रखा, और अटका फेथ ट्रस्ट राइट, वो फेथ हमारे ऊपर किए ट्रस्ट किए इस वजह से, और हम भी मुझे पूरा फेथ था पूरा होपोनोपोनो पर इस प्रेयर पर, इस कार्मिक क्लींजिंग फॉरगिवनेस हीलिंग प्रेयर पर, और मुझे यकीन था। हम हमेशा मैम को कहते हैं कि आप यकीन रखिए आपका काम पूरा होगा ही होगा, और फाइनली वो रिजल्ट आता है। आप नहीं समझ सकते ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है, और हमसे भी ज्यादा हमारे वो प्राइम मेंबर जो सुमना चैटर्जी जिनका नाम है उनके लिए कितना बड़ा खुशी की बात है, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो इतना ज्यादा खुश है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ ये बात कह रहे हैं, जब इससे पहले उनका एक रिश्ता आया था जब मैंने वो कहा था कि ये रिश्ता होकर मत कराइए यहाँ अच्छा नहीं होगा, और उन्होंने मेरी एक बात को सुना, एक बात को सुन के वो रिश्ता को कैंसिल कर दिया, आज जो रिश्ता को लेके वो चल रही है इसमें भी मैंने कहा था कि ये रिश्ता करवाइए ये सही होगा, और आज इतना खुश है वो, अभी 1 वीक ही चल रहा है उनका शादी का और दोनों बहुत खुश है, इवन उनकी मम्मा भी बहुत खुश है। उनकी मम्मा का एज आई बिलीव 82 होगा, लेकिन वो हमेशा बस एक ही बात कह रही है कि तू सर की फोन करे बोल ली, मतलब तुमने सर को फोन करके बोला या नहीं कि काम हो गया है, बहुत बड़ी काम हो गई है, बहुत बड़ी सफलता मिल गई है राइट। तो ये था हमारे प्राइम मेंबर का बहुत बड़ा अचीवमेंट, जिन्होंने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट क्यों बना, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ी बात क्यों है, क्योंकि उन्होंने 8 महीना वेट किया था और 8 महीना तक उन्होंने कंसिस्टेंसी रखा, फेथ रखा इस प्रेयर पे, और 8 महीने के बाद रिजल्ट मिला। क्या होता अगर वो 7 महीने के बीच में अगर इस चीज को छोड़ के चले जाती, रिजल्ट नहीं मिलता, और सबको बोले हम लोग सबको क्या बोले फिरते कि ये काम नहीं करता है। तो हर चीज जो भी आप कर रहे हैं वो आपके लिए काम करता है अगर आप उसके साथ बने रहें, आप उसके साथ टिके रहें। हम लोग टिकना नहीं जानते हैं दोस्तों, इस वजह से हम लोगों को फेलियर आता है, इस वजह से हम लोगों को सक्सेस नहीं आता। आप अगर किसी भी एक प्रेयर के साथ, चाहे वो कोई भी प्रेयर हो, अगर आप टिक गए, भरोसा अपना जमा लिया, सक्सेस आपको वहीं से मिलेगा। ये सिर्फ होपोनोपोनो के लिए हम नहीं कह रहे हैं राइट। एक और सक्सेस स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहूंगा, ये हमारी प्रियंका प्रजापति जी का है, जो हमारे ग्रुप की ही एक मेंबर हैं, जनरल ग्रुप की मेंबर हैं, जिन्होंने एक मरतबा ही हमसे काउंसलिंग लिया था, वो भी फोन में, और उनका सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज था उनका हस्बैंड। 5 से 7 सालों से उनके हस्बैंड के साथ उनका रिश्ता खराब चल रहा था, और वो कहती है कि मेरा रिश्ता 5 से 7 सालों से खराब था, अब पकड़ लीजिए 7 सालों से खराब था, और वो कहती है कि फाइनली मैंने अपने लाइफ में अचीवमेंट पाया, खुशियां वापस पाया, अपने रिश्ते को वापस पाया, हो अपनोपनो और ग्रेटिट्यूड से ये मेरा रिश्ता ठीक हुआ है। ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रही हैं ये उनका स्क्रीनशॉट है, आप उनका ऊपर में इमेज भी देख सक रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये हमारी ही मेंबर है, आई बिलीव वो इस वीडियो को देख भी रही होंगी। तो वो कहती है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गॉड, एंड सबसे स्पेशली थैंक यू वो खुद को देती हैं, और ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हम लोग खुद को ही थैंक यू देना भूल जाते हैं, क्योंकि ये सारा
जो जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं हम लोग खुद ही उठाते हैं, सबको थैंक यू बोले फिरते हैं, खुद को ही नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये खुद को कहती है स्पेशली थैंक्स मी, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखती है वो कि मेरा रिलेशनशिप खूबसूरत हो गया सर, थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ में क्या हुआ था ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर से वो को क्रिएट हो सकता है, तो उसको वो अट्रैक्ट नहीं करना चाहती है। देखिए कितना समझदारी से वो अपना सक्सेस स्टोरी भी शेयर कर रही है कि अपने प्रॉब्लम को वो नहीं डिस्कस कर रही है, फिर वो उनको फिर से रिपीट नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि मैं बस इतना बताऊंगी कि मेरा रिलेशनशिप ठीक कैसे हुआ। मैंने हो ओ पुनो पुनो प्रेयर किया, सेल्फ लव किया, रिलेशनशिप अफर्मेशन बोलती थी और सब कुछ अचानक से बदल गया। मेरे रिश्ते 5 से 7 सालों तक खराब था और 1 साल से हम लोगों में कभी भी बात भी नहीं होती थी। बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो आज इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ इशू, डिवोर्स केसेस, नोटिस भेज दिया है, डिवोर्स पेंडिंग, डिवोर्स केस चल रहा है, हस्बैंड छोड़ना चाह रहे हैं वाइफ को, वाइफ छोड़ना चाह रही है हस्बैंड को, बहुत ज्यादा तनाव है दोनों में। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारी लाइफ अभी हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट एक्सिस्ट कर रहे हैं हमारे साथ। उन लोगों के लिए मैं खास करके बता रहा हूँ कि देखें कैसे उन्होंने पेशेंस रखा। वो कहती है कि 1 साल से हम लोगों में कभी भी बात नहीं होती थी, बट ईश्वर की कृपा से सब कुछ बदल गया, मेरा रिश्ता खूबसूरत हो गया, आज मैं बहुत खुश हूं, ये मुझे पहले से और भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं और मेरा ख्याल रखने लगे हैं और आज हम दोनों एक साथ हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हो ओ पुनो पुनो प्रेयर। कितने लोग हैं जिनको इस एक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद जिनके जिनको गुजबम आ गया है, जिनके बदन के रोम सहर चुके हैं, कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड और चैट बॉक्स में कहें मी लिख कर टाइप करें, चैट बॉक्स में मी लिख के टाइप करें। और कितने लोग इस सक्सेस स्टोरी से खुद को रिजोनेट कर पा रहे हैं, कितने लोगों के अंदर इस सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद फेथ बिल्ड हुआ, ट्रस्ट बिल्ड आया, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, कितने लोगों के अंदर ये चीज आ रहा है कि यस जब इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। जब ये भी आपकी तरह ही हमारी तरह ही एक नॉर्मल साधारण सा इंसान है और आप भी हम भी एक नॉर्मल साधारण सा इंसान है। बस एक चीज में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों कि हम लोग फेथ नहीं रख पाते हैं, हम लोग किसी एक जगह टिक नहीं पाते हैं, जम नहीं पाते हैं। आज हो पुनो पुनो प्रेयर देख रहे हैं, कल तारा ग्रीन तारा मंत्र देख रहे हैं, तो कल भगवान बुद्ध का एक और मंत्र देख रहे हैं, तो कल जापान का कोई और मंत्र देख रहे हैं, तो कल इटली का कोई और मंत्र देख रहे हैं, कल कोई और चीज का और मंत्र देख रहे हैं, कल और टेक्निक देख रहे हैं, कल कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग खुद ही के लाइफ को कॉम्प्लिकेटिव बना रखा है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए, ऑनेस्टली बताएं सब, हम लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यूट्यूब में मैक्सिमम टाइम हम लोग खुद को लगाए रख रहे हैं और जहां देख रहे हैं कि ये वाला हो गया वो वाला हो गया, बस हम लोग भटक जा रहे हैं दोस्तों, है ना नीलिमा मैम, ऐसा हो रहा है ना हम लोगों से? यही भटकाव ही हमारे लाइफ में हमारे लाइफ को कॉम्प्लिकेटिव बना दे रहा है और हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के पीछे ये रीजन नहीं है कि बहुत सारे चीजें मेरे बिहाफ में हो, नो, इसका पीछे एक रीजन ये है कि आप हमारे अंदर ये चीजें बिल्ड हो कि हमें एक चीज के साथ जुड़ना है। पहले ही मैंने बताया ना मेंटर वाली बात को लेकर कि एक चीज के साथ जुड़ जाए मैम, जिसके साथ आपको कनेक्टेड कनेक्शन फील हो रहा है। अगर आपको हो पुनो पुनो के साथ कनेक्शन फील नहीं होता है, आप दूसरा चीज को ढूंढे, आप उसी सिचुएशन में दूसरे चीजों को ढूंढे जब आप किसी के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर पाए। अगर कर चुके हैं कनेक्टेड तो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा वही आपको सब कुछ लाके देगा, उसी से आपका सारा कुछ सॉल्व होगा, सारा सक्सेस, सारा सिचुएशन, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बस आपको टिके रहना है। ये 5 से 7 सालों का रिश्ता खराब जो था वो अगर ठीक हो सकता है कुछ दिन की मेहनत से, कुछ दिन की होपनोपनो प्रैक्टिस से, तो क्या आपका हमारा सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता है, राइट? बस एक चीज के साथ जुड़ जाए मैम, राइट, एक चीज के साथ जुड़ जाए। ये था हमारे प्रियंका प्रजापति जी जो हमारे ग्रुप मेंबर हैं, बहुत ही अच्छे मेंबर हैं, वो हमेशा हमारे YouTube लाइव को ज्वाइन करती हैं और बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं। उनका सक्सेस स्टोरी, उन्होंने जिस दिन सक्सेस मिला उसी दिन मेरे साथ शेयर किया था, लेकिन अभी तक मैंने ये कभी ग्रुप में शेयर नहीं किया था, इवन YouTube में भी नहीं शेयर किया था दोस्तों, राइट। आज के दिन के लिए मैंने पेंडिंग रखा था। नेक्स्ट, ये था रिलेशनशिप से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी, राइट। नेक्स्ट जो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही है वो हेल्थ से जुड़ा सक्सेस स्टोरी है जो होपनोपनो के ऊपर मिला है, राइट। ये सक्सेस स्टोरी ग्रुप में आप लोगों को मैंने भेजा था, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड आज आप लोग को हम बताते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है।
ये एक ऐसी मेंबर है ग्रुप में जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं की थी, वो मेरे वीडियोस को देख के मुझे कॉन्टेक्ट करती हैं, कंसल्टेशन लेती हैं वन डे का, और वन डे की कंसल्टेशन लेने के बाद उनके मम्मा का पिक्चर मैं मंगाता हूँ, क्योंकि उनके मम्मा को पैरालिसिस था. क्या था? पैरालिसिस. और उनका राइट बॉडी पार्ट जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे वो, राइट. तो वो एक अपने आप में एडवोकेट हैं, जो मैम जिनका ये मैसेज है वो अपने आप में एक एडवोकेट हैं. और वो बताती हैं कि सर मेरी मुझे कुछ ऐसा चीजें बताएं वो पुनः पुनः से जुड़ा जो मैं अपने मम्मा के लिए करूं. तो मैं उनको सिर्फ एक पावरफुल टेक्निक देता हूं, जिसे हम लोग ho'oponopono इरेजर टेक्निक कहते हैं, जिसे हम लोग ऑलरेडी 3 डेज के कोर्स में भी दिया है, राइट. आप लोग को याद होगा वही ho'oponopono के मैंने उनको बताया कि अपने चैलेंजेस को लिखें एक डायरी में, आपकी मम्मा से रिलेटेड जो जो चैलेंजेस है उसको दर्ज करें. एक बार अपने चैलेंजेस लिख लिया, लिखने के बाद डेली आपको उस पेंसिल से जिसके पीछे इरेजर रहता है वो वाला पेंसिल यूज करें और डेली टैप करें उसके ऊपर और चैंट करें आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज वेलकम मी, थैंक यू. ये चीजें उन्होंने सिर्फ एक कंसल्टेशन में उनको बताया मैंने, और एक कंसल्टेशन में उन्होंने ये करना शुरू किया, शिद्दत से करना शुरू किया. मेरे दिमाग से ये लेट गो भी हो चुका था कि मेरे उनके साथ बात हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट के साथ डील होता है तो ये चीजें याद नहीं रहती है, राइट, किनसे क्या बात हुआ किनसे क्या हुआ. सडन 2 से 3 दिन पहले उनका कॉल आता है, हम उनका नंबर उनका सेव नहीं था, इस वजह से हम समझ नहीं पा रहे थे कौन कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोइंसिडेंटली वो क्या होता है कि उनका कॉल उठा लेते हैं और बात होती है, तो वो अपना सक्सेस स्टोरी बताते हैं. तो उनकी मम्मा जिनको पैरालिसिस का चैलेंज है वो कह रही हैं कि मेरे मम्मा जो आपने पीक मांगा था, मैंने भी अपने लेवल से उनके लिए हीलिंग की थी, तो बोल रहे हैं कि सर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके हीलिंग प्रेयर के वजह से कि बस दिल से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है. और वो इसलिए फोन कर रही थी कि ये बात बताना था. थैंक यू सो मच सर. तो ये चीजें अब आते हैं हम लोग उस पॉइंट में. ये था ho'oponopono हीलिंग का बेनिफिट, राइट. अब आप लोग ये बात को एहसास करें, इस बात को समझें कि अगर ho'oponopono हीलिंग से ho'oponopono प्रेयर से इतने बड़े बड़े चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं और नतीजे आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों के सामने हैं, तो सोच के देखें अभी अगस्त मंथ में, अभी अगस्त मंथ का 1 तारीख से जो हम लोग लाइव करेंगे, है ना, जहां रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होगी, जहां लाइव होगा और जहां हम लोग यही हीलिंग को करेंगे, और वो हीलिंग सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, उस हीलिंग में हम लोग आप लोगों के लाइफ के चारों एरियाज को हील करने के लिए इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन किया है कि एक एक वीक को एक एक एरियाज के लिए हम लोगों ने रखा है, राइट. और कुछ ऐसे ब्यूटीफुल मेडिटेशंस प्रैक्टिसेस साउंड्स और ऐसे ऐसे चीजें मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो आप लोगों के लाइफ को एक न्यू टर्निंग पॉइंट साबित होगा आप लोगों के लाइफ की, राइट. तो सोच के देखें 30 दिन अगर आप लोग हमारे साथ लाइव हो ho'oponopono हीलिंग कर लिए, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, जो पूरे 24 घंटे में सबसे अच्छा समय माना जाता है प्रेयर के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप हमारे साथ साथ हम लोग साथ मिलकर अगर वो ho'oponopono हीलिंग को लेते हैं, तो सोचिए कितना ज्यादा हमें बेनिफिट होने वाला है, राइट. कितना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, है ना. तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बात को आप लोग एक चीज और समझा देते हैं. जी हम जरूर रेमेडी शेयर करेंगे, प्लीज हमारे साथ बने रहें. एक चीज और समझ लें कि जब हमारे लाइफ में कुछ चैलेंजेस आती है ना, तो जितना भी ज्यादा हमें ज्ञान है, जो भी नॉलेजेस हमें है, हमारे ऊपर जब चैलेंज आता है ना, तो हम लोग खुद को हील नहीं कर पाते, हम लोग स्टक हो जाते हैं. और जब हम लोग खुद के लिए हीलिंग कर भी रहे होते हैं ना, फिर भी एक डर हमारे अंदर काम करता है, होगा या नहीं होगा, काम बनेगा या नहीं बनेगा, एक फियर के अंदर हम लोग रहते हैं. और यही फियर की वजह से हमारे अंदर को जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है. इसीलिए हम लोग एक हीलर का सपोर्ट लेते हैं. क्यों? क्योंकि एक हीलर जब सपोज कीजिए रश्मि मैम के लिए एक हीलर है जो रश्मि मैम का हीलिंग कर रहे हैं, तो उनके अंदर रश्मि मैम के लिए कोई ब्लॉकेज कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा कि काम होगा या नहीं होगा. उस हीलर को अपने हीलिंग के ऊपर पूरा भरोसा है, वो रश्मि मैम के लिए हीलिंग करेंगे और हीलिंग करके उठ जाएंगे, कोई ब्लॉकेज उनके अंदर नहीं आएगा, कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, डाउट नहीं आएगा, फियर नहीं आएगा. और ये जो उनके लिए नहीं आ रहा है, यही रीजन होता है कि रश्मि मैम ने जब उनके उनसे हीलिंग लिया तो उनको हीलर का हीलिंग का फायदा मिल गया. लेकिन वही हीलिंग अगर वो खुद करती
उनको सिखा दिया था, बता दिया था, वो खुद करती, तो दो चीजें होती, एक तो वो कंसिस्टेंट नहीं कर पाती, और अगर बहुत तकलीफ से बहुत शिद्दत से अगर वो कंसिस्टेंट कर भी लेती लेकिन अपने उस डर से वो ऊपर नहीं उठ पाती, जो डर उनको बार बार सताएगा, कंफ्यूजन में डालेगा, डाउट में डालेगा कि हम कर तो रहे, रिजल्ट तो नहीं आ रहा, फायदा तो नहीं मिल रहा है ना। यही रीजन होता है कि लोग हीलिंग लेते हैं। आज इस बात को मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यही रीजन होता है कि लोग पर डे का 1,000 पे करके हीलिंग लेते हैं कि सर आप मेरा हीलिंग कर दीजिए, मम्मा का हीलिंग करवा दीजिए, मेरे भैया का हीलिंग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम करेंगे तो हम भी करेंगे, आप बता दीजिए मुझे, हम कर सकते हैं, लेकिन हम दो चीज नहीं कर पाएंगे, कंसिस्टेंसी हमसे नहीं हो पाएगा, दूसरा मेरे अंदर से टेंशन जाएगा ही नहीं। हम करेंगे लेकिन साथ में टेंशन भी रहेगा, डर भी रहेगा, कुछ तो नहीं मिल रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। आप लोग समझ गए? यही रीजन है कि आप लोगों के लिए मैंने 30 डेज होपोनोपोनो हीलिंग को जो प्रोग्राम किया है इसी वजह से किया है कि हम सबके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस तो जरूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उस चैलेंजेस से कैसे आप ओवरकम करके अपने अंदर वो पोटेंशियल बिल्ड कर सकें कि हर सिचुएशन में आप मुस्कुरा सकें, हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रांग पाएं, खुद को कॉन्फिडेंट पाएं, और हर सिचुएशन को ओवरकम करके आगे बढ़ने का आपके अंदर क्षमता बिल्ड हो, ताकत आए। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने ये हीलिंग क्लासेस को रखा है, और ये 30 डेज तक आप लोगों के साथ हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करेंगे। इसका कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा दोस्तों? क्योंकि अगर हम लोग रिकॉर्डिंग दे देते ना तो फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में करने का कोई फायदा ही नहीं रहा ना। आप जो रिकॉर्डिंग देखोगे आप कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उसको देखोगे, राइट? आप ब्रह्म मुहूर्त में उसको देख नहीं पाओगे। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप देखोगे तो उससे अच्छा है कि आप मेरे साथ लाइव ही करो, है ना? आप समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो जितने लोग ऑलरेडी हमारे जितने लोग ऑलरेडी इस सेशन के लिए एनरोल कर चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अभिनंदन। और जितने लोग अभी भी नहीं किए हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हीलिंग 30 डेज का हीलिंग को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप जरूर अपने लिए ही ले लीजिए। अब आप बात ये सोचेंगे कि सर अगर मेरा 1-2 दिन मिस हो जाए तो क्या करेंगे? तो ये मैम आपका जिम्मेदारी होगा कि आप 1-2 दिन, हो सकता है किसी किसी का मिस हो जाए, किसी किसी का ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारा हेल्थ कब सही रहेगा कब गलत रहेगा, लेकिन हम बोलेंगे कि वो चीज को सोच के पूरे हीलिंग को ही आप मिस ना कर दें, राइट? ये सोचे नहीं कि 1-2 दिन छूट जाएगा तो क्या होगा, ये सोचे कि पूरा हीलिंग 30 डेज का हीलिंग का पूरा बेनिफिट जो वो नहीं छूटना चाहिए, राइट? तो अभी हमारे साथ जितने मेंबर्स हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग में से कोई भी अभी तक सोच रहे हैं तो कल का दिन सिर्फ बचा है, मंडे से हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और ये एक ऐसा टाइम है ना कि आप जहां भी रहो, लेट्स से सपोज कि आप अपने जगह पे नहीं हो, आप अपने सिटी पे नहीं हो, लेकिन आपके साथ आपका फोन है, राइट रेणुका मैम? आपके साथ आपका फोन है, फोन में जूम है, जूम में आपका लिंक है, राइट? तो लिंक जहां है, आप जहां भी रहो, आप रहोगे 4:30 बजे किसी ना किसी रूम के अंदर ही, किसी ना किसी घर के अंदर ही। तो ये टाइमिंग ऐसा टाइमिंग है, मैं भी बहुत अंदर से आप लोग के लिए, ये जितना ज्यादा आप लोग के लिए चैलेंजिंग था ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है दोस्तों, कि 30 डेज तक कंटिन्यू आप लोग के साथ लाइव करना, राइट? ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है, आप सोच के देखें, है ना? हर इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है, हर इंसान रेस्ट लेता है, लेकिन मेरे लिए भी चैलेंजिंग होने के बाद भी मैंने ये जिम्मेदारी आप लोगों के लिए लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि मैं एनी सिचुएशन एनी कंडीशन में भी आप लोगों के लिए हीलिंग कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, राइट? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 66 डेज का एक हीलिंग ऑलरेडी हम लोग माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये भी हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा आप सोचेंगे ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग करने से वो चीजें डिले हो जाती है, हमारे बकेट से निकल जाता है। सोचना नहीं है, ले लेना है, कर लेना है, उतर जाना है। पानी में उतरने से पहले अगर आप सोचते रहे ना कि पानी में उतरेंगे पैर फिसल जाएगा तो कभी आप सतार नहीं सीख पाओगे, कभी स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। इसीलिए आप बहुत सारे स्विमर ट्रेनर को देखोगे, जो लोग स्विमिंग का ट्रेनर होते हैं ना, वो लोग पकड़ते हैं आपको, लाइफ जैकेट पहनाते पकड़ते हैं पानी में फेंक देते हैं, बच्चे लोगों को मैंने देखा है, पकड़ते हैं पकड़ के फेंक देते हैं पानी में, जाओ डूबो कूदो पानी में जाओ, तब समझोगे कि पानी में कैसे तुमको तैरना है, राइट? किनारे में खड़े होके सोचते रहेंगे तो स्विमिंग कभी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, है ना? तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप जहां भी हैं अगर आपको लगता है कि ये हीलिंग जो लाइव होगा ये ग्रेटिट्यूड हिंदी की तरफ से वन टाइम ही होने जा रहा है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पैकेज में इस प्राइस में नहीं कर पाएंगे दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो बस ये लास्ट टाइम आप लोगों के लिए ऑफर है कि 499 में आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके
बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबर हैं, डॉक्टर सीमा जी एक बोल के हमारे हैं, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, उन्होंने खुद भी ज्वाइन किया, अपने तीन तीन कजन्स को या तीन तीन रिलेटिव हैं उनको भी ज्वाइन करवा दिया है। वो आज मुझे मैसेज करके भेजती हैं, बोलती हैं कि मैं खुद भी ज्वाइन की हूँ, मेरे तीन फैमिली मेंबर भी इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो सोच के देखिए किसी किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज। कोई हमारे ग्रुप मेंबर है वो लिखती है कि सर हम डेस्परेटली इसके लिए वेट कर रहे हैं, सेलिंग कोर्स के लिए, सेलिंग सेशन के लिए, राइट। तो यस मैम, जरूर देंगे हम। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में रखना है कि ये हीलिंग को मिस ना हो पाए। 30 डेज के बाद आप लोग अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पाओगे दोस्तों, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो चलिए अब वो टाइम आ चुका है जिस टाइम में आप लोग मैंने बताया था, जितने लोगों को रात को नींद नहीं आती है, ठीक है, रात को नींद नहीं आती है तो आप लोग आज एक ऐसा स्विच वर्ड दे रहे हैं, इस स्विच वर्ड को प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा नींद आएगा ना मानो आपने नींद का गोली ले ली है। आप चैंट करोगे, चैंट करना कंप्लीट नहीं होगा, नींद आ जाएगा, इतना पावरफुल स्विच वर्ड है, ठीक है। तो स्विच वर्ड है SOMA, सोमा। क्या स्विच वर्ड है? SOMA, सोमा। जी सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन हाँ बहुत पावरफुल है मैम, हम आप लोगों के लिए टाइप कर दिए हैं जी। SOMA, इसको 108 टाइम सोने से पहले बेड में चले जाएं और 108 टाइम इसको चैंट करना है, ठीक है। इसको चैंट करते करते देखेंगे 108 टाइम आपका पूरा नहीं होगा, आपको नींद आ जाएगा। तो जितने लोगों को भी नींद नहीं आती है ओवर थिंकिंग के वजह से, डिप्रेशन के वजह से, स्ट्रेस के वजह से, वो लोग इस स्विच वर्ड को प्रैक्टिस करें, SOMA, सोमा, ठीक है। उनको बहुत प्यारी नींद आएगी, बहुत क्वालिटी स्लीप आपको मिलेगा, बहुत अच्छा नींद आएगा, बहुत सारे लोगों का फीडबैक है। आप लोग भी इसको एक्सपीरियंस कीजिए और हमारे हमारे साथ आके इस वर्ड्स, इस स्विच वर्ड से जुड़ा फीडबैक को जरूर शेयर करें, जाके आगे चल के वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, ठीक है। अब एक चीज देने वाले हैं आप लोगों के लिए, वो ये है कि जितने भी लोगों का कोई भी काम स्टक होकर है, ठीक है, कोई भी काम अगर स्टक होकर है, चाहे कोई भी काम, सपोज कीजिए किसी का रिश्ता पेंडिंग होकर है, मतलब लड़का देख कर जा रहा है कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, किसी का जॉब पेंडिंग है, किसी का ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, किसी का कोई काम अगर अटका हुआ है, कभी भी कोई काम, कोई भी काम हो, कोई भी काम अगर आपका अटका हुआ है और वो बन नहीं रहा है, बार बार बाधा आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो एक बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है जो प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, ठीक है। तो इस स्विच वर्ड को आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। स्विच वर्ड है हाफ वे डन, स्विच वर्ड है हाफ वे डन। ये स्विच वर्ड आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें, हाफ वे डन, हाफ वे डन, हाफ वे डन, इस तरह से चैंट करेंगे, आप लोग देखोगे आप लोगों का बड़े से बड़े अटका हुआ काम, बहुत सारे लोगों का वीजा अटका हुआ है, वीजा का अप्रूवल नहीं आ रहा है, ठीक है, वीजा नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारी सारी चीजें हैं, ऐसे ऐसे काम है अटके हुए हैं, राइट। आप कहीं ट्रेन पकड़ने जा रहे हो या ट्रेन है आपका या फ्लाइट है और आप टाइम में निकले हो, आपको लग रहा है कि मिस हो जाएगा फ्लाइट, ट्रेन मिस हो जाएगा, आप ये वाला चैंट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, आप देखोगे कैसे चमत्कार रिजल्ट मिलेंगे। हाफ वे डन, हाफ वे डन, हाफ वे डन, यस हाफ वे डन, ये बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस में लाए हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे कोचेस के माध्यम से इस स्विच वर्ड को दिया जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को, जितने मेंबर्स को ये दिया गया है सभी को बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, फीडबैक हमें रिसीव हो रहा है। आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो ये था आप लोगों का, अब एक और आप लोगों को पावरफुल रेमेडी बताने जा रहे हैं, ये रेमेडी बहुत ही तगड़ा रेमेडी है, ठीक है, और ये रेमेडी भी पेड रेमेडी है, इसके लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज करूंगा। यस, तो आज हम लोग आज के सेशन को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। देखिए आज भी ऐसे ही हुआ, सेशन का टाइम पता नहीं चलता है कब का गुजर जाता है, अभी टाइम 11 PM हो रहा है, राइट, हम लोग 9 बजे से शुरू किए थे, राइट रेणुका जी, माधुरी मैम। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन हमारे लिए हेल्पफुल होगा और जितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, सभी अपना अपना नाम, ठीक है, और अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जितने लोग अपने कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, जितने लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग अपना अपना प्रैक्टिशनर बन के औरों के लोगों अपनी लाइफ के साथ साथ औरों के लोगों के और लोगों के जीवन में भी सुधार लाएं, पहाड़ लाएं, खुशियां लाएं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आई बिलीव कि ये सेशन आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा, ये सारा सारे लोग को जो आप लोग देख रहे हैं, जो फ्यूचर अपकमिंग हो पुनः मेंटर बन रहे हैं,
इस तरह से आप लोग भी बन सकते हैं। जाते जाते आप लोग एक बात बताते चले, लेट्स से सपोज आप एक अर्निंग करना चाहते हो, थोड़ा सा अर्निंग की बात आप लोगों को बताते हैं। जितने भी लोग ये चाहते हैं कि हमारा थोड़ा अर्निंग का कुछ बताएं सर, कि हम लोग कैसे घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं, जितने भी हाउस वाइफ है, मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो एक बात आप लोग को बताते हैं दोस्तों। लेट्स से सपोज आपके पास 10 से 15, 25 से 20 लाख है, 20-25 लाख आपके पास है। आप 20-25 लाख इन्वेस्ट करते हो, एक दुकान बनाते हो, शॉप बनाते हो, इन्वेस्ट करते हो, आपके पास डेली कस्टमर आता है और आप क्या करते हो, आपको इनकम हो रही है, राइट। लेकिन कितने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट करके इस तरह से इनकम जनरेट करेंगे? कितने लोग हैं? बहुत कम ही लोग हैं, राइट। अगर ये एक ऑप्शन है आपके पास लाइफ में पैसे जनरेट करने का, और एक और इजी ऑप्शन है आप लोगों के लिए, वो है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना। आप अगर खुद के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 तक, लाख रुपए तक आपको जाना नहीं पड़ेगा, सोच के देखें। अगर आप लोग खुद के ऊपर ही 20 से 25 हजार इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आप घर बैठे ही ऐसे ऐसे स्किल सीख सकते हैं, ऐसे ऐसे नॉलेज सीख सकते हैं, जो नॉलेज सीख कर आप खुद के और दूसरे के लाइफ में वैल्यू एड कर सकेंगे। पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएंगे? पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है, किसको पता है? निमिषा जी, हेतल जी, माधुरी मैम, रेणुका जी, गीता जी, आकांक्षा, कंचन जी, लक्ष्मी जी, कोई किसी को पता है? पलक जी, राशनी मैम, पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है? लिख लीजिए आज, आप सब लिख कर लिख लीजिए आज, पैसे कमाने का फॉर्मूला। मनी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्किल, और वो स्किल आपका लाइफ स्किल होना चाहिए। क्या स्किल? आपका लाइफ स्किल। आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम है, लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप कैसे वैल्यू एड करोगे लाइफ, लोगों के लाइफ में, राइट। और आप अगर वैल्यू एड नहीं कर सकते, पैसा क्या है? पैसा तो एक एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एक्सचेंज कर, हम लोग जब वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे के लाइफ में, वही एक्सचेंज के रूप में, पैसे के रूप में हमारे लाइफ में, पैसे के रूप में आ रहा है, यानी जो वैल्यू हम लोग एक्सचेंज दे रहे कर रहे हैं, वही पैसे के रूप में हमारे लाइफ में वापस आ रहा है, राइट। तो पैसा क्या है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो आप क्या वैल्यू दोगे, राइट। तो आप अगर किसी को वैल्यू देना चाहते हो, तो आपको अपना क्या सीखना पड़ेगा, अपना स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। आपको कौन सी स्किल सीखने पड़ेंगे? अभी इस उम्र में हम क्या करेंगे, फिर से हम लोग MBA ज्वाइन करेंगे, फिर से हम लोग कोई बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे? नो, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है? हमारे लिए पॉसिबल है इस तरह के ऑकल्ट साइंस को सीखना, इस तरह के कोर्सेज को सीखना, इस तरह के नॉलेजेस को सीखना, जो आपके लाइफ, जिसे हम लोग लाइफ स्किल नॉलेज कह रहे हैं, इस तरह का स्किल को आप लोग सीख कर अपने ऊपर इस तरह का छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप घर बैठे आराम से महीने का 20 से 25 हजार कमा सकते हो, राइट। क्या आप यकीन करते हैं इस बात पे? आप जरूर यकीन करेंगे अगर आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, राइट। तो ये कोर्सेज जो है आज आप लोग सीख रहे हैं, आज जो आप लोग पैसे दे रहे हैं किसी मेंटर को, किसी कोच को, ये नहीं सोचे कि मेरा पैसा लेके कोई चला गया, ये सोचे कि ये पैसा आपने खुद के ऊपर, खुद के लाइफ स्किल को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया है। और आज आपने खुद के ऊपर जो 20,000, 25,000, 30,000 इन्वेस्ट किया, वही कल आपके पास रिटर्न होकर आने वाला है कितने हजार हजार रूप में। आप इसकी लोज नहीं सीखोगे, आप इसकी एक बार सीखोगे, लेकिन उसको लास्ट अपने जिंदगी के एंड तक उसे आप दूसरों को दे सकोगे, और दूसरों को देकर उसके बदले में आप अपने लाइफ में वैल्यू एड कर पाओगे। और वैल्यू क्या है आपके लाइफ के लिए? मनी, राइट। आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं दोस्तों, राइट। आज सभी को एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, चाहे वो जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, सभी मांग रहे हैं कि एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत हो, और ऐसा इनकम जिसमें उसको ठगे नहीं जाए, जिसमें उनको लोगों को ठगाना नहीं पड़े। तो सोच के देखिए, अगर आप इस तरह का इनकम, अगर आप इस तरह का इनकम का वे अगर आप चुनती हैं, और इस तरह का प्रोफेशन को अगर आप चुनती हैं, तो यहाँ आप लोगों को ठगाओगे नहीं, लोगों को आप हेल्प करोगे, और पैसे के साथ साथ आप सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, आप ब्लेसिंग्स भी कमाओगे, राइट। सिर्फ पैसा आप यहाँ नहीं कमाओगे, साथ में आप ब्लेसिंग भी कमाओगे, और जब ब्लेसिंग्स आएगा ना पैसे के साथ साथ, तो वो पैसा आपके लिए शांति लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। पैसे बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन सबको सुकून नहीं मिलता है, सबकी लाइफ में शांति नहीं है। जितना पैसा आता है उतना टेंशन बढ़ते जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इतना पैसा रखेंगे कहाँ, राइट। लेकिन ये वो प्रोफेशन है जहां आप खुद के स्किल को डेवलप करके दूसरे के लाइफ में वैल्यू एड करके पैसे के साथ साथ ब्लेसिंग्स को भी अर्न करोगे, राइट। तो आई बिलीव
कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। सेशन पर हम नहीं खींच रहे हैं, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है सेशन आज का हमारा। मुझे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सेशन यहाँ तक जाएगा, कि बहुत सारी चीजें थी आप लोग को देना, जो चीजें छूट गई डोंट वरी दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर उसे कवर करेंगे। ठीक है, आज जो चीजें आप लोग को मिली उसके लिए ग्रेटफुल रहें, ग्रेटिट्यूड फील करें, अपना फीडबैक जरूर, अपने अपने फीडबैक को जरूर अपने अपने लेवल में अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने घरों के लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और यस 30 डेज कोर्स में हम लोग फिर मिलेंगे साथ में सभी के साथ, और ये जितने लोग एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कहूँगा कि आप अपने लिए सबसे पहले तो पहला आज का दिन का समराइज कर देते हैं पूरे सेशन को, कि अपने लिए सबसे पहले एक मेंटर चुने, पहली बात। दूसरी बात एक है कि कोई भी एक प्रोसेस को लेकर चले, ज्यादा चीजों पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दें। तीसरी बात जो आज हम लोगों ने सीखा वो ये है कि अपना लाइफ स्किल को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं। आप एक रिकी मास्टर हो, रिकी ग्रैंड मास्टर हो, ठीक है, अच्छी बात है, उसको उसमें काम करें, उसको लेके आगे बढ़ें। या अगर आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसे कोर्सेज सीखें जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसमें आप अच्छे तरह से दूसरे को बोल पा रहे हो, और उसके बाद आप देखोगे आप लाइफ में किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, और वही वैल्यू आपके लाइफ में रिटर्न आएगा पैसे के रूप में प्लस ब्लेसिंग्स के रूप में। ठीक है, ओके, तो जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं सभी को वार्म वेलकम। ठीक है, सभी के लिए कैटेगरी हिंदी का डोर ओपन है, सभी आ सकते हैं, सभी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कॉस्ट जो है सबसे मिनिमम रखा जाता है। ठीक है, और जो क्वालिटी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो बहुत हाई लेवल का है, आप लोग फीडबैक से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जितने लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोकास्टिनेशन में, ओवरथिंकिंग में अपना टाइम नहीं गुजारें, जल्द से जल्द अपना अपना कोर्सेज को लें। ठीक है, होपोनोपोनो के बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई भी एक कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज को आप ले सकते हैं, कोर्सेज कंप्लीट करें, सर्टिफिकेट लें, और आगे क्या करना है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आप लोग को हेल्प किया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से आप घर बैठे बैठे ही एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो, लोगों को हेल्प कर सकते हो, उसके साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना सभी ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, अलोहा।